रेक्सी या अबिलिटीज आई थिंक उन्होंने प्रायोरिटाइज करी, एंड व्हाई नॉट, इट इज द सोवा. आपने एक ही चीज के लिए लिया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंटेल कलेक्ट करना उसी इंडिविजुअल का काम है. लेकिन चलिए राउंड की शुरुआत हो चुकी है. पिस्टल राउंड पे एसके रॉसी और हेल रेंजर की तरफ से एक अग्रेसिव पुश ए लॉबी की तरफ, बट दूसरी तरफ एंटीडोट इनका इंतजार कर रहा है अटैकर स्पॉन पे. ये टॉप मिड का जो पुश है ये बैकफायर कर सकता है. ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को काफी संभल के खेलना होगा. डिफेंडर्स अपना रोल ऑलरेडी स्वॉप ही कर चुके हैं, आप देखिए खुद आगे जा रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में. डिफेंडर्स ए साइड छोड़ चुके हैं, वहां से निकल करके आए थे, मिड तक पहुंच चुके हैं, सीधा बी पर जा रहे हैं. आर दे जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर द बुलीज? यस दे आर. आई मीन रॉसी एक्सकैली को पिक करते हैं. इस पूरी फाइट को 4v2 बना चुके हैं हेल रेंजर. यहाँ पर अगर आरवी के को देख लें, अगर आरवी के थोड़ा आगे आते हो जरूर दिक्कत होती, बट आरवी के जा चुके डिफेंडर साइड स्पॉन पर, वहां से बी साइड पर एंट्री लेना जरूर चाहेंगे. रेक्सी को इस आउल ड्रोन से सचेत रहना पड़ सकता है. उन्हीं के पीछे ही आउल ड्रोन धीरे धीरे जा रहा है. रॉसी फ्रेंजी लेकर कभी मूव करें, बट आरवी के कापा को पिक करेंगे. थोड़ी सी जान में जान आती है, लेकिन रॉसी एक और पिक निकालेंगे स्किल्स, एंडिंग इट ऑल राइट. लेकिन इस अगले राउंड में एनिग्मा गेमिंग थोड़े से प्रेशर में तो रहेगी, बट उतना ज्यादा कुछ कमिट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलने वाली है. बाय राउंड काफी इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए. लेकिन ये साइड पर आप देखिए एंट्री हो रही है. रॉफ्यूल धीरे धीरे जा रहे हैं जनरेटर के पीछे, डेफिनेटली उनको चेक करना, और हेल के एरिया पर भी चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ट्री तक यहाँ पर एक बार के लिए देखा था, बट हाँ सामने रहेंगे. स्पॉट किया, लाइटनिंग पास ऑफ स्किल्स ने एक एक पिक निकाला, एंड ए साइड को डिनायल में यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं मिड टॉप पर. अभी अटैकर्स अपना मूवमेंट थोड़ा बहुत कर रहे हैं. आरबी के स्पाइक ने अपना रुख बदला है, एंड स्पाइक धीरे धीरे बी साइड पर जा रही है. बी पर एक डिफेंडर है और एक और डिफेंडर मिड के अराउंड हमें, डिफेंडर साइड कौन सा मिड के अराउंड हमें घूमता नजर आ सकता है. कापा के लिए ऐसे में थोड़ी बहुत चुनौती बन सकती है, और अब तो प्लेयर्स को कमिट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके. एक और उठा लिया गया है काफी बिल्कुल सामने प्लेयर्स को, यहाँ पर स्पॉट किया गया. एरियस का स्पैम बिल्कुल सिर पर कापा करते हुए, और स्पाइक को भी डाउन किया गया. इजी एंडिंग हो सकती है, हालांकि आरबी के एक मिड लेकर के जा चुके थे, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया. इस तरीके से पॉप अप किया था, बट रॉसी को खुद को देखिए, खुद आगे जा रहे हैं. कोई डर नहीं, कोई यहाँ पर मलाल नहीं होगा अगर पिक भी हो गए तो. जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, अलार्म बॉट ने लोकेशन जरूर एक बार कंसीडर करी, और खुद आगे जा चुके हैं रेड नाइट बॉक्स के पीछे. केजे आरबीके इजी पिक उनका निकालेंगे, इनफैक्ट आरबीके को शट डाउन किया जाएगा, बट द डैमेज इज डन टू द साइड के लिए. डैमेज लाइटिंग पास पॉइंट टू द नेक्स्ट वन. नो ही टेक्स वन और पिज्जा के अराउंड, यू नो, ताकि और कोई ना एक बार को जो नैनो स्वॉर्म रहता है उसको वापस डाल के, बट बी साइड इज ओपन. बी साइड पर अभी जाकर के प्लांट किया जा सकता है. एंटीडोट और ज्यादा अंदर घुसते नजर आ जरूर रहे हैं, एंड इनफैक्ट बी साइड से भी क्या ये निकलने की कोशिश रहेगी डिफेंडर साइड की तरफ, क्योंकि रेक्सी उनके पास फाइट है. वो एक पिक निकालेंगे, एचपी 30 बची है इनके पास. एंटीडोट को कुछ भी करके इनको इस समय कवर देना पड़ेगा. एचपी रेक्सी की कम है, स्पाइक इनके हाथों में है, प्लांट करना इन्हीं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये खुद मार्क भी यहाँ पर हो चुके हैं. दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी. रेक्सी प्लांट करेंगे, इसकी भनक लग चुकी है. प्लांट करते ही शॉक डार्ट से उनको पिक किया जाएगा. ये कोने के प्लांट्स के अराउंड का जो एक यू नो अंडरस्टैंडिंग रहता है, वही यहाँ पर था. बोट हाउस के एकदम कोने पर जो प्लांट रहता है आगे, और हेल रेंजर्स ऑपरेटर इज ऑनलाइन. इन्फैंट्री का है मेरा ये सवाल है. इट्स द वेपन दैट काउंट्स डेफिनेटली, बट देयर ही इज मेकिंग इट काउंट. यू कैन स्टार्ट काउंटिंग cuz इट्स 1 राइट नाउ. प्लस आई थिंक रेड जो है जर्सी के साथ अच्छा मैच कर रहा है. बट स्किल्स एक पिक और यहाँ पर निकालते नजर जरूर आएंगे. वहीं पर एक प्लेयर को आते देख लिया है, और पिक्स निकालने की कोशिश, बट एक्सकैली पिक निकालेंगे और खुद पीछे आ चुके हैं. पता है इस समय सेफ नहीं रहता है. दूसरा पिक रॉसी के सामने हो सकता है. वो ट्राइंग टू गो फॉर इट, क्लाउड बर्स्ट किया और खुद वापस खुद को कवर में लेकर के. और आप देखिए वहां से भी गोलियां थोड़ी बहुत चली थी. स्पाइक घूम कर जा रही है बी साइड के बाहर. अभी के लिए स्पाइक आ चुकी है, हालांकि कापा को उनके राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि बी गराज की जो एंट्री रहती है वहीं से कोई ना कोई उनको दिक्कत दे सकता है. एंड दैट इज एक्सकैलिबर. वन एनिमी रिमेनिंग. पिक स्किल्स यहां पर निकालेंगे एक्सकैलिबर. लास्ट वन सर्वाइविंग. जाते जाते खुद चाहे पिक हो जाए, बट एक पिक तो वो भी लेकर के ही जाना यहां पर प्रेफर प्रोबेबली करना चाहेंगे. आप देखिए मार्केट की साइड पर रॉसी, हालांकि एक्सकैली एक अच्छा पिक और निकालेंगे. तीसरा पिक क्या वो यहां पर अपना बना सकते हैं, वो एक सवाल बन जाता है. उनको पता है कि कोई ना कोई उनको डेफिनेटली मार्केट में देख रहा होगा. 30 seconds left. One down, but well, he cannot. Momentum बनाने के chances इनके बढ़ जाते हैं. अगर ये round हाथ से जाता है, तो first half basically global esports के नाम हो जाता है. एक बार फिर से trailblazer के साथ A lobby check करने का प्रयास.
हेल रेंजर के द्वारा एंड आई थिंक थोड़ा इन्फॉर्मेशन उनको वहां पे मिल चुका होगा अबाउट द प्लेयर्स एक्सकैली और रॉफ्यूल जो उनका इंतजार कर रहे हैं, बट वाइनरी की तरफ स्किल स्नीक इन कर चुके हैं और ये काफी ज्यादा दिक्कत है अब देने वाले एनिग्मा को थोड़ी ही देर में। बिल्कुल ये दिक्कतें यहाँ पर आएंगी जरूर प्लेयर्स के लिए अगर हम लोग बात करें, बट आप देखिए ऑलड्रोन को डाला गया अटैकर्स के द्वारा, हालांकि ब्लाइंड करके उस ऑलड्रोन को तोड़ा गया हेल रेंजर के द्वारा। उनके पास उनके सीकर्स है, हालांकि अभी शायद जरूरत पड़ने नहीं वाली है, वो तभी आएगा जब यू नो अगर उनको मैन डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। आई बिलीव सो ऑन टू द बी साइड, बी साइड में बी मेन के बाहर आप देखिए अभी के लिए प्लेयर्स तैनात हैं, बट कापा भी तैनात है, उनकी ओडिल लेकर के डेफिनेटली एक स्पैम करना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर दिक्कतें बहुत ज्यादा बनती नजर आएंगी। उनकी लोकेशन स्पॉटेड है जरूर, बट उस चीज से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोशिश थी रॉसी के लिए, उनको पिक किया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सकैली इस समय भार संभालते हुए एंटीडोट के दो पिक्स, एक्सकैली का एक पिक और पता चलेगा डिफेंडर साइड को भी यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीकर्स डेफिनेटली डाले गए थे, हालांकि स्किल्स एक पिक निकालेंगे, बट एंटीडोट डेफिनेटली जस्ट पॉप्स ऑफ, उनको शट डाउन यहाँ पर किया जाएगा। ये फाइट बन चुकी है 2v1 की एंड स्किल्स फाइट का इस्तेमाल करना जरूर चाहते हैं, बट किस तरीके से काम में आएगा वो ये सवाल बन जाता है, क्योंकि आप देखिए बोट हाउस के एंगल्स डेफिनेटली चेक किए गए हैं, लेकिन उनको स्पॉट करना था रॉफ्यूल को जो पहला राउंड अपनी टीम के खाते में लेकर के आए हैं। अरे रॉसी भी तैनात था जरूर बैठे हुए हैं, और ड्रोन किया जाएगा रेड बॉक्स पर कंप्लीट बॉक्स पर, हालांकि अब साइड पे फ्यूरी प्लेयर्स को लेकर के डेफिनेटली जा सकती है। एक प्लेयर को तो पिक किया जरूर किया, बट आप देखिए रॉसी एक अच्छा एंगल यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको ब्लाइंड किया जा रहा है, उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। 18 HP पर ये प्लेयर हील डेफिनेटली मिल जाएगा। कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल ए साइड के अराउंड किया गया, यही समय हो सकता है जब आपको जाना, बट रॉसी उस कॉस्मिक डिवाइड के दूसरे पार आना चाहते हैं। बेचैनी हल्की सी नजर जरूर आई थी, हालांकि ये जो अटैकर्स साइड से लॉकडाउन डाला गया इसी के अंदर समय रहते प्लांट करने के लिए पहुंच जाना चाहिए प्लेयर्स को, अभी के लिए जा भी रहे थे बट वो प्लांट एग्जैक्टली अभी भी नहीं आया। हालांकि करके डाउन किया जा रहा है, एक्सकैली और रेक्स यहां पर पिक जरूर निकालेंगे, एंटीडोट गोस फॉर द प्लांट, लेकिन डिफेंडर साइड से अगर हम लोग बात करें वहीं से आप बोल सकते हैं दो प्लेयर्स एक तरफ एक पीछे से एक आगे से यहां पर आते नजर जरूर आ रहे हैं। कापा हेवन की साइड पर एंड स्किल्स ए मेन पर अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं, लोकेशन स्पॉट अभी के लिए नहीं हुए, लेकिन वहीं पर स्किल्स धीरे धीरे वाइन की साइड पर डेफिनेटली जाने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि उनको आगे आना पड़ेगा और हेवन की साइड पर डेफिनेटली यहां पर तैनाती रहेगी। रेक्सी विद अ 3K राइट नाउ, एक और प्लेयर उनके सामने रहेगा, स्किल्स एक प्लेयर को पिक करेंगे, 90 HP उनके पास, फैंटम रीलोड पर डेफिनेटली जाते हैं, जनरेटर के पीछे क्लियर रहेंगे, उनको भी देखा जा चुका है, लोकेशन यहाँ पर इनकी स्पॉटेड हो सकती है एंड लोकेशन पर में पता और दो तरफ से। अगर बात करें इस राउंड में ऑलरेडी सिर्फ स्किल्स हैं जो वैंडल के साथ उतरे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स हमको पिस्टल्स पे ही नजर आ रहे हैं, तो एक अच्छा एडवांटेज एनिग्मा के पास अभी आ चुका है, एंड ये एक मौका है जो इनको इक्वलाइजर की तरफ लेकर जा सकता है। साइट के अंदर की एंट्री जो है यू नो ये पता चल चुका है, इन्फॉर्मेशन पहले हेल रेंजर ने दिलवा दी थी उनके गाइडिंग लाइट से, जब वो ब्लाइंडेड का कॉल आता है कि प्लेयर्स हैं उस डायरेक्शन में, मेन के बाहर प्लेयर्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक्सकैली पता चल चुका है कि मिड पर डेफिनेटली उनको कापा स्पॉट कर सकते हैं, हालांकि नेब्यूला खत्म होने ही वाला है, जैसे ही नेब्यूला हटेगा दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं, खिल जाएगा की कॉन्वर्सेशन जरूर। लेकिन RVK और रॉफ्यूल दो अच्छे पिक्स यहाँ पर निकालेंगे, कैटवॉक से अभी मूवमेंट हो करनी पड़ेगी, टीम साइड पर मूवमेंट हो सकती है, रॉफ्यूल एक और पिक निकालते हुए वहां पर ब्लेड स्टॉर्म पर प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, रॉसी राइट क्लिक किया था लेकिन उसके बाद कोई और रिजल्ट अभी के लिए नहीं देखने को मिलने वाला है, और इस सब के बीच में जनरेटर के पास डेफिनेटली प्लांट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हेल रेंजर शरीफ का इस्तेमाल करके आरवी के कोपे यहाँ पर करते नजर आएंगे। ऑलराइट ये प्लांट काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हालांकि इस समय एंटीडोट एक पिक डेफिनेटली निकाल सकते हैं, इजी पिक फॉर एंटीडोट कमिंग अप, रॉसी फैंटम उनके पास है, 1v3 का सिचुएशन पता चल चुका होगा कि हेल के साइड पर प्लेयर्स डेफिनेटली होने चाहिए, पिक वहां पर निकाल, लेकिन एक और प्लेयर उसी जगह पर तैनात रहेगा और दूसरा प्लेयर ये कवर फायर एक क्रॉस फायर करने के सेटअप होता नजर आ सकता है, और वहीं पर Antidote with a classic just ending पर आप देखिए वापस से contest करने की कोशिश नजर आ सकती है, वहीं पर रॉसी आप देखिए full buy पर गए, operator ने pick किया लेकिन यहीं पर Excali नजर आ रहे थे, Excali pick निकालेंगे रॉसी का और खुद पीछे आते हुए दिखाई देंगे, एक बहुत important pick यहाँ पर निकाला गया है Excali के द्वारा, हालांकि स्किल्स नहीं ऑपरेटर अभी के लिए पकड़ लिया, बट इनको ऊपर का एरिया देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स हैं, वो पिक्स निकालने की कोशिश वापस एक्सकैली यहां पर देते नजर आएंगे, हालांकि डैमेज ऑलमोस्ट हो सकता था एक्सकैली को, स्टिल सर्वाइविंग एट दिस मोमेंट, हर एक शॉट से एक्सकैली कैसे बचे हुए अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल उनके लिए बन जाता है। जनरेटर के पीछे
इस समय स्किल्स एक पिक निकालेंगे, इनफैक्ट दो पिक्स यहां पर उनके हिस्से में आते हुए नजर जुड़ाएंगे पुल करने की उनकी कोशिश थी जरूर, और थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने लेकिन अगर कोई प्लेयर नेबुला के अराउंड ही होता थोड़ा फाइट कर रहा हो तो वो पुल जरूर हो जाते हैं, वो पिक निकालते लेकिन प्लेयर्स के माइंड में कुछ और। स्पाइक आप देखिए भाग रही है अटैकर साइड स्पॉन से कि वो बी पर जा सके, लेकिन वहां पर हेल रेंजर मौजूद, हालांकि एंटीडोट ने कापा को पिक किया बट हेल रेंजर वॉज देयर इन द सिचुएशन, और इस सबके बीच में पिज्जा के अराउंड भी एक फाइट हो रही है जिसमें आरवी के लाइटनिंग फास्ट को पिक करते नजर आएंगे 30 सेकंड का समय। Oh no. 2v2 का सिचुएशन, ट्री साइड से मूव करने की कोशिश डेफिनेटली, एंड ए साइड करंटली इज एम्प्टी, हालांकि ये डिफेंडर अगर हम लोग बात करें स्किल्स वो ए मेन से देखने जरूर वाले हैं, उनके पास वेपन रहेगा, इस वेपन से वो पिक्स यहां पर जरूर निकाल सकते हैं, प्लांट करने की देरी लेकिन कोई गलत डायरेक्शन में देख रहा है और उसी का फायदा उठाकर स्किल्स अपना तीसरा पिक निकालते नजर आएंगे। रेक्सी ऑन जस्ट 81 HP राइट नाउ, स्किल्स विद अ 4k टॉप में नजर आ रहे थे, साउंड क्यूज आ गए थे वो फुटस्टेप्स के, उसी से स्किल्स को पता चल गया कि अब वापस रोटेट करके ये लोग ए आएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे वर प्रेप फॉर दैट। चलिए देखते हैं पांच टीम सारी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जस्ट थ्रोइंग एवरीथिंग दैट दे कैन, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। हालांकि ऐसे में मैं देखना चाहता हूं कि अब सिचुएशन क्या रहती है, रॉसी को पिक किया जाएगा रॉफिल के ब्लेड स्टॉर्म के द्वारा, अल्टीमेट कमिट करी गई थी एंड नाउ रॉफिल हैज दैट ऑपरेटर फॉर पेनल्टी जा रहे करेंगे, लेकिन रॉफिल आरवीके अच्छे पिक्स बैक टू बैक निकाल रहे, बी साइड का पूरा कंट्रोल इन लोगों ने उठा लिया है, रेक्सी प्लांट करेंगे, जरूर क्या वापस से प्लांट करें, एक और पिक यहां पर हाजिर हो सकते हैं, रुक चुके थे डैश किया पीछे की तरफ को आए, ये राउंड एनिग्मा गेमिंग के हाथों में हो सकता है स्किल्स, हालांकि देखते हैं कि क्या वो काया पलट सकेंगे, थोड़े बहुत स्टार्स अलाइन कर जरूर हैं बट क्या उनके सितारे अलाइन रहेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। Goes one player, he sees one player, he sees another one player. It's down to a one-on-one situation. Draw fuel versus skills. Aur skills ko ye diffuse apni team ke liye nikalna padega. Boat house mein. Draw fuel abhi ke liye survive kar rahe hain. Thodi der ke liye agar chuke, to definitely unke upar shots aa sakte hain. Boat house ka information mil jayega and will take a 4k. Skills with the kills. Lekin is samay agar hum log baat kare sabse zyada जो एक सिचुएशन लगी वो होगी कि 6-6 का स्वॉप देखने को मिले, हालांकि रॉसी ये शॉट्स मिस करे उन्होंने, उन्होंने एक्सकैलियर ने बहुत ज्यादा बोल्ड मूव्स कर रहे हैं, एंटी ऑपरेटर आर्मर पहनकर आए हैं, बहुत बोल्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कॉस्मिक पैड का इस्तेमाल किया जाएगा एंड रॉसी बहुत आगे जा रहे हैं, हालांकि स्किल्स रॉफिल को पिक करेंगे एंड जस्ट व्हाट ही सेड बाय बाय, एक और प्लेयर को स्किल्स यहां पर पिक करेंगे जनरेटर के अराउंड, स्किल्स अलग ही यहां पर नाच नचाते नजर आ रहे हैं, हालांकि राइट हैंड साइड पर इनको देखना पड़ सकता है, हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल डेफिनेटली किया गया था, वो लॉकडाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी गया यहां पर लाइटनिंग फास्ट ट्री के पीछे, डेफिनेटली एक प्लेयर को पीछे से पकड़ जरूर सकते हैं, और ऐसे में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आरवीके के अराउंड कैसे खेलेंगे क्योंकि आरवीके इस समय प्ले बनाते नजर आ रहे हैं, बता दिया अराउंड प्लेयर रहेंगे लाइटनिंग फास्ट, इट्स अ 2v1 सिचुएशन एंड एंटीडोट ये दिक्कतों में आ जाएंगे जब आप रीलोड चेंबर रीलोड होता है, उनका उनके उनके क्रेडिट्स काफी अच्छे हैं, आपके क्रेडिट्स थोड़े से दलदल के अंदर फंसे हुए इस समय के लिए नजर आ रहे हैं, तो उन सब चीजों के अराउंड खेलना यू नो डेफिनेटली बहुत ज्यादा दिक्कत भरा इनके लिए हो सकता है, तो ऐसे में अगर 7-5 का स्वाप कुछ भी करके कर सके काफी अच्छा, लेकिन पीछे के राउंड आप देखिए स्पाइक पहुंच चुकी है साइड पर, स्पाइक जल्दी जल्दी जा रही है, रॉफ्यूल धीरे धीरे आगे और जा रहे हैं, रेक्सी प्लांट करेंगे लेकिन वहीं पर रॉफ्यूल, दिस इज व्हाट दे वांटेड, मे बी दिस वाज द कॉन्वर्सेशन, और उसी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है 5v4 का सिचुएशन, और अगर रॉसी यहाँ पर रॉफ्यूल का पिक नहीं निकाल पाए तो ये ऑपरेटर भी आखिरी राउंड से पहले हाथ से जाएगी जरूर, हालांकि आई बिलीव इस राउंड के बाद हमें शायद 7-4 देखने को मिल सकता है, यहां पॉसिबिलिटी रह सकती है, ओह दिस इज बैड, गुड बी बैड टाइमिंग यहां पे रॉफ्यूल का साथ देते हुए, बट दूसरी तरफ लाइटनिंग फास्ट 2k स्किल्स ने भी रॉफ्यूल और एक्सकैली भी पिक ऑफ होते हुए नजर आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ओह नो दे मिस्ड इट, व्हाट व्हाट नो 9-3 कर्स, इज दैट अ रियलिटी, क्या यस्टरडे इट वाज, आई मीन एनिग्मा ने वहीं से कमबैक किया था जी, इफ यू टॉक अबाउट इट बट देन उनको वापस से आज कम बैक करना पड़ेगा, हालांकि ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर रॉसी आरवीके डेफिनेटली 8-4 करने के चांसेस हो सकते हैं, कापा ने स्विच किया था वेपन पर बट दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हिम, एंटीडोट भी एक पिक निकालते नजर आएंगे, इट्स अ 1-on-5 सिचुएशन एंड इट्स डन फॉर फ्लॉलेस स्वॉप, 8-4 आरवीके खेल रहे हैं बी साइड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, ये लोग भी स्प्लिट हैं, एक प्लेयर बी मेन पे थोड़ी इरिटेशन क्रिएट करेंगे, कैपा जो है वो ए लॉबी पे इंतजार करें, बाकी के तीन प्लेयर्स मिड कंट्रोल कंटेस्ट करने की कोशिश करते हुए आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं,
रोल स्वॉप हो चुके हैं, अटैकर्स डिफेंडर्स ये जो रोल्स हैं ये पूरे पूरे बदले जा जरूर चुके हैं. और यहाँ पर टैग किया जाएगा, मार किया जाएगा और पिक किया जाएगा रॉफ्यूल के द्वारा. इस समय रॉसी जरूर आगे जा रहे हैं, शरीफ लेकर के हमेशा पहला राउंड खेलना जरूर चाहते होते हैं. आरवी के डेफिनेटली एक किक निकालेंगे एंड स्पाइक इस समय गिर चुका है, स्पाइक लेने तो पहुंचना पड़ेगा. और ऐसे में आप देखिए एंटीडोट को पिक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है. अब जाकर के आप प्लान कर सकते हैं, आपके पास बी साइड का पूरा कंट्रोल आ चुका है 3v3 का हालांकि ये सिचुएशन. और इसके अंदर रॉफिल काफी आगे आ चुके हैं, एक पिक और निकालेंगे अपने लिए बोट हाउस के अंदर ही, वहां पर पिक करना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है. ही विल पिक अनदर प्लेयर डाउन एंड इट्स रॉसी हिमसेल्फ हु टेक्स वन प्लेयर. As of now, spots the second one, takes him as well. And it's just a one-on-one situation and he does it. Gangadhar hi shaktiman hai and Rossi yahan par Ganesh Gangadhar zarur picks nikalte hue pick kar rahe hain. Double digit hit karne ke baad yahi matlab hota hai ki no aap wo numbers close in karna bahut zyada dikkaton mein aa jayega. Matlab ek pick karne se spot kiya tha but antidote unko pick karte hain zara aayenge but instant trade saath ke saath antidote ke against kiya jayega. Guiding light dal karke left side dekhi kuch right pehle dekha left ki taraf aap dekhiye door ke piche players nazar zarur aa rahe hain halanki side mein entry ho chuki hai. Two spots bahut zyada hai स्टांस में ये गेम खेलते हुए नजर आ रही है. इट्स डाउन टू अ 2v2 सिचुएशन. गलतियां जी से भी हुई हैं ऐसे में लेकिन कापा है तो मुमकिन जरूर रहेगा. और इसके बीच में रेक्सी को भी पिक किया जाएगा हेल रेंजर के द्वारा. हो जाएगी दो राउंड मात्र ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को और चाहिए. गलती आपसे कहीं ना कहीं तो होगी, पैर फिसल ही रहा है एनिग्मा का एंड इट इज गोइंग टू लुक वेरी बैड. लेकिन चलिए एक और तेज पुश बी साइड की तरफ, रॉसी रेक्सी को पिक करते हुए लेकिन आरवी की तरफ से एक काफी इंपॉर्टेंट रेड. 4v4 नंबर्स आ चुके हैं और ऐसे में ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हमको बैक ऑफ करती हुई नजर आ रही है. यस, वो अपनी जगह बदल रहे हैं. पहले हलचल करी, हंगामा किया और फिर वहां से चुपचाप निकलते हुए दिखाई दे जरूर रहे हैं. हालांकि जो स्पाइक है वो वापस से बी साइड के बाहर के लिए अभी जा रही है. हेल रेंजर अकेले ए साइड पर जा करके हमें दिखते नजर जरूर आ रहे हैं. वाइन तक गाइडिंग लाइट एक बार डाली गई जस्ट टू चेक यू नो वाइन का एंगल खाली है या नहीं. लेकिन ए साइड पर कॉन्वर्जेशन उतनी नहीं रहेगी जितनी बी साइड पर यहाँ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हर कोई तैयार है बी साइड पर जाने के लिए. टारेट को जरूर डिस्ट्रॉय किया जाएगा. आरबीके के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उनकी लोकेशन रिवील्ड है, पता रहेगा कि वो पीछे के एंगल पर रहेंगे और वहीं पर एक पिक निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा. एचपी बहुत ज्यादा कम, एक एचपी पर आरबीके यहाँ पर बचे हुए थे जिनको टारेट टेक डाउन करेगा. टारेट पहले से तैयार था और उसके बाद आप प्लेयर्स को डिफेंडर्स को इंपैक्ट साइड पर रखना पड़ेगा. स्पाइक प्लांट डेफिनेटली किया जा सकता है. रेड नेट बॉक्सेस के पीछे थोड़े बहुत शॉट चले जा रहे थे. एंटीडोट को भी स्पॉट किया जा चुका है. दिस राउंड माइट जस्ट बी अ गॉन केस फ्रॉम एनिग्मा अगर वो पिछली बार की तरह ग्लोबल जैसा कोई रश ना कर पाए. और उसी के लिए रॉफ्यूल एक पिक निकालेंगे बट लाइटिंग फास्ट रॉफ्यूल को पिक करेंगे. लाइटिंग फास्ट विद अ ब्रिलियंट 3k फ्रॉम द बोट हाउस साइड. और ये पूरा गेम, ये पूरा मैच, ये पूरा मैप इनफैक्ट, जी हाँ, ऐसा लगता है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अपने पलड़े में भारी कर चुकी है. ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास एक बहुत ज्यादा हैवी एडवांटेज, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, एंटायर डे. एग्जैक्टली, एट द एंड अगर आप जीतते हैं तो तब तब इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड. यू हैव टू विन द BO5, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. एंड आई थिंक आई वांट टू सी दिस बट नाउ आई डोंट. आई मीन ऐसा लगा कि एक बार के लिए शायद किसी एक प्लेयर को रिटर्न किया जा सकता है. हालांकि साथ ही साथ लॉकडाउन लग चुका है. एक और यहाँ पर पिक किया गया और हर कोई मार्चिंग कर रहा है. आप देखिए इस गेम को पूरा बदला जा चुका है. रॉसी साइड के अंदर आ चुके हैं एंड सब प्लेयर्स को डेफिनेटली बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते. एक प्लेयर को डिटेन किया गया मार्केट के अराउंड और वहीं पर रॉफी लबी की भी अभी भी प्लेटफॉर्म लेकर के तैनात है. हालांकि एक भी पिक अभी तक नहीं निकला है. रॉसी डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं अगर कोई उनको मार्केट की साइड से दिखता है. उनके पास वो एंगल काफी अच्छे तरीके से विराजमान रहेगा देखने के लिए और वहीं से रॉफी भी आ सकते हैं. अब तो घड़ी की टिक टिक यहाँ पर रुक चुकी है क्योंकि जो स्पाइक है वो प्लांट किया जा चुका है और उसके अराउंड को खेलना पड़ेगा. नेब्यूला के पीछे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं. सबकी लोकेशन स्पॉटेड की रॉसी एक प्लेयर को पिक करेंगे एंड यहीं पर वापस से ग्लोबल स्पोर्ट्स नंबर्स का भार अपने हिस्से में लेकर के आती हुई रेक्सी जस्ट यू नो सर्वाइविंग विद मार्शल एंड उनको भी ढूंढा जा रहा है. आगे जाएं, पीछे जाएं, आगे कुआं, पीछे खाई, बीच में रेक्सी और मैच पॉइंट पे ग्लोबल स्पोर्ट्स. ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से आज क्या प्रेप रहने वाला है? लास्ट टाइम जब इनको बाइंड पे देखा था दे वर इंटरेस्टिंग मूव्स लेकिन रॉफ्यूल सेंटिनल्स ऑफ लाइट ऑपरेटर का इस्तेमाल यहां पर अच्छे तरीके से. उसके बाद रॉसी वो ग्रेविटी वाला बोल सकते हैं उन्हीं के हिस्से में थोड़ा चला गया क्योंकि उनको जल्दी डैश करवा गया और वो बच गए अभी के लिए. हालांकि ट्री से जाकर के पीछे मुझे नहीं न्यूट्रॉन देखा गया है लेकिन उसके बाद बेस भी बनाने पड़ेंगे और रेंजर हेवन पर जाते हैं. गेम के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश है और फुल स्टॉप के लिए एक प्लेयर को पिक करना यहाँ पर एक एक करके प्लेयर्स को पिक करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हेल रेंजर नहीं पिक कर पेशेंटली ये लोग खेलते नजर आ रहे हैं. स्वॉप के बाद से एक राउंड हारे ग्लोबल स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स, वो भी अभी वाला रीसेंट राउंड एंड आप देखिए कितना ज्यादा
पेशेंटली ये लोग गेम बना चुके हैं, हालांकि कुछ तो चेंजेस किए गए हैं। ए साइड पर जा रहे हैं और ए साइड पर कोई तैनात नहीं है एक्सेप्ट द केजे एंड देयर लोड आउट्स। जिस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, केजे की सारी यूटिलिटीज ए साइड पर देखने को मिल रही हैं। अगर अंदर एंट्री लेंगे नैनो स्वॉर्म डाला जा सकता है, लोकेशन जरूर रुकता है, लेकिन अलार्म बॉट को ट्रिगर किया गया। अब केजे की नजर बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होने वाली है। एक बार के लिए दिक्कतें बन सकती हैं, जनरेटर के अराउंड बहुत सारी मुश्किलें बनाई जा सकती हैं। यहां पर आप अगर बात करें लॉकडाउन को डिस्ट्रॉयड डेफिनेटली किया गया, उसके बाद का आप एक हो गए, बट देन ये अगर हम लोग इस चीज की बात करें इंपॉर्टेंट जरूर रह जाता है। नंबर्स एडवांटेज BB2 का सिचुएशन, या जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लाइटनिंग पास प्लांट करते हुए नजर आएंगे, रॉसी उनके साथ ऊपर की तरफ आ चुके हैं। हर कोई साइड के अंदर है, इस तरफ तो छीनना ही पड़ेगा। एनिग्मा गेमिंग ये राउंड छीनना पड़ेगा अगर उनको इस गेम में, इस मैच में, इस मैप में अभी भी जीवित रहना है। हालांकि ड्यूएबल है, लेकिन चकमा कैसे देंगे ये दो प्लेयर्स तीन के अगेंस्ट, वो एक सवाल बन जाता है, क्योंकि रॉसी कमिंग अप विद अ 3K। हालांकि रेक्सी उनको पिक करके इस पूरी फाइट को 1v2 पे लेकर के आए थे, बट ग्लोबली स्पोर्ट्स, वेल दे आर नॉट फेयरिंग इट एनीमोर, दे आर फाइटिंग एवरीथिंग एंड दे गेट द फर्स्ट गेम ऑफ एसेंट। जो स्पाइक है वो ए साइड की तरफ को अभी के लिए मूव करती नजर आ रही है। शावस के बाहर आरवी के देख जरूर रहे थे, बट उनको समझ में आ चुका है क्यों ना शॉर्ट साइड पर डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा हो सकता है। वहीं पर उन्होंने स्नेक बाइट अपना कमिट किया। हालांकि लाइटनिंग फास्ट रेक्सी को जरूर स्पॉट करना चाहते, थोड़े बहुत स्टार्स डालने की कोशिश यहाँ पर भी हो सकती है। हालांकि इस सबके बीच में आरवी के यूवॉल्स के एरिया पर अभी नजर आ रहे हैं। रेक्सी वहाँ पर लोकेशन जरूर यहाँ पर देना चाहते हैं प्लेयर्स के, लेकिन स्ट्रिक ऑन गोल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। राइट क्लिक करने की कोशिश हो सकती थी, एक गोली उनके पास बची है। और कापा चोरी छुपे आए, हलचल करते तो आए पर चोरी छुपे सब चीजों के बीच में प्लांट भी यहाँ पर कर चुके हैं। यू हॉल के एरियाज देखने की कोशिश, पता चल चुका है कि यू हॉल पर प्लेयर्स डेफिनेटली एक को मार्क भी यहाँ पर किया गया। तो क्या वो इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक एक करके पिक किए जा रहे हैं। बट रॉसी मेकिंग इट अ 3v3, रॉफिल विद अ क्रैक गेम राइट नाउ, टेक्स वन मोर प्लेयर डाउन। ये 3v2 का सिचुएशन बन चुका है। लाइटनिंग पास राइट क्लिक की कोशिश अच्छी खासी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन स्किल जिक्लर को पिक करेंगे, कोशिश उनकी अच्छी खासी थी। हालांकि इस सब में एस भी काफी ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि अगले राउंड में एक फोर्स उनकी तरफ से नजर आता है, एक फोर्स बाय सिचुएशन में ग्लोबली स्पोर्ट जाती हुई। स्पेक्टर्स परचेस करी गई है, कैपा हमको नजर आता है और शेरिफ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबली स्पोर्ट्स के लिए इस राउंड को अपने नाम करना। अगर ये राउंड हाथ से गया तो अगला राउंड भी इको पे ही जाना पड़ेगा। हालांकि अब स्पाइक लेकर के शुरुआत हो चुकी है जाने की। ए साइड पर शॉट से प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, यू हॉल तक का एरिया पूरा खाली है, कोई यू हॉल में देखने को मिलने वाला ही नहीं है। रेक्सी थोड़ा आगे आ चुके हैं, स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन रेक्सी वापस से पीछे साइड को देखने लग चुके हैं। हेलरेंजर उस समय स्ट्राइक करना चाहते हैं जब सबसे ज्यादा वल्नरेबल यहां पर प्लेयर्स हुए, क्योंकि लोकेशंस के बारे में पता चल चुका है। यू हॉल से प्लेयर सामने की तरफ को आ रहे हैं, बट रेक्सी को अभी भी पता है कोई ना कोई तो उनके पीछे होगा। हालांकि रॉफ्यूल कापा को पिक करेंगे, बट द स्पाइक हैज बीन प्लांटेड। 4v5 का सिचुएशन इस समय, और अब तो प्लेयर्स को खेलना ही पड़ेगा, रीटेक यहाँ पर लेना पड़ेगा। और कोशिश उसकी हो सकती थी, लेकिन साथ के साथ स्किल्स दो पिक्स निकालते हैं, बट द डिफ्यूज अवेलेबल है। आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आगे वाले राउंड में वो जो क्रेड्स बचेंगे वो काम आ सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर रॉफ्यूल जिसके साथ डी लॉन्ग अग्रेसिवली पुश करते हैं, कैपा का एक फ्री पिक मिलता हुआ। एनिग्मा गेमिंग को 4v5 सीकर्स यूज करेगा या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के द्वारा शावर्स में, और स्किल्स पुश कर चुके हैं। ए शॉट ए कंट्रोल लेने के लिए काफी कुछ कमिट किया है यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने। Skills की position बहुत important. Is it worth it? Yes, it looks like it's worth it. But क्या ये पहला round ये लोग अपने हिस्से में निकाल पाएंगे? एनिग्मा बहुत ज़्यादा strong नज़र आ रही है इस पूरे game के अंदर। RV के skills को भी pick करेंगे जो थोड़ी देर पहले vulnerable जरूर हुए थे, हालांकि वो काफी समय उसके लिए उसके round हो चुका है। It comes down to 3v3 situation. Rafael definitely you all can check out. एक दूसरे को spot किया था, but lightning fast becomes a quick man and एक pick उन्होंने निकाला Excali. Lightning Fast को साथ के साथ शट डाउन करके इस पूरी फाइट में लेकर के आ चुके हैं। एक ही प्लेयर यहां पर बचे हुए हैं RVK, जिनको डाउन किया जाएगा रॉसी के द्वारा। फाइनली वैंडल के साथ बहुत ही तेजी से गार्डन की पोजीशन को कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ब्लाइंड तो हुए थे डेफिनेट, बट अब साथ साथ आगे ट्रेल ब्लेजर गया है रॉसी। ये बहुत स्लो पेस पर शुरुआत, पता चला कि यहाँ से और यहीं पर तो सारा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा था। शो स्टॉपर है रॉसी के पास, बट वो डबल सैचल अभी के लिए नहीं है। हालांकि वही एक कॉम्बिनेशन होता है जो कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, बट अगर ऐसे में भी करना चाहें तो डेफिनेटली हेवन तक शो स्टॉपर जा सकता है। रॉसी एक अच्छा पिक निकालते हैं, अगले प्लेयर शायद रेन एंड आई बॉक्सेस के पीछे उनको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वहीं पर रॉफ्यूल भी नंबर्स को इवन करते हुए नजर आएंगे। रॉसी विल गो फॉर अनदर वन, 3K
just coming down on Rossi and Rofil is the last one surviving. अभी के लिए गलत angle पर देखने cloud burst डाल करके एक fake करने की कोशिश, हालांकि उन्होंने gun देख लिया, guys किस direction में रहेगी, थोड़ा बहुत shots में मारे जरूर थे. Cannot be done. Anything cannot be done. U-Halls पे और pressure create किया जा सकता था. And let's see. एक buy round वापस से आया Enigma के लिए. काफी important, यहीं से गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए. अगर Global Esports ने अभी equalize कर लिया तो ये first half बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा. Rafil just बैठे हुए इस समय, तो वो उस जगह की दरकार है कब वो टॉक्सिक स्ट्रेन नीचे जाएगी, और अगर कोई दिखता है तो कब वो निकाल पाएंगे. हालांकि एक फिर मार्क करने की पर कोशिश, अच्छा खासा यहाँ पर मार्क किया गया. शोस्टॉपर का इस्तेमाल रॉसी के द्वारा देखने को मिला, डबल सैसल की जरूरत भी नहीं पड़ी और साथ ही साथ एक चक्कर निकाला, लेकिन इंस्टेंट यहाँ पर जो होगा कि नीचे का प्लेयर वो नहीं देख पाए. हालांकि रॉसी 29 एचपी पर पाल पाल बचे हैं, ऑल थैंक्स टू हेलरेजर, ये जीवन दान रॉसी को मिलता हुआ नजर आया यहाँ पर. 5v3 का सिचुएशन, कॉस्मिक डिवाइड साथ एक्सीक्यूट करी गई है, एंटीडोट को पिक किया जा चुका है, कापा जस उस जगह पर बैठे हुए 5v2. अब देखना होगा कि Enigma किस तरह से आगे की गाड़ी अपनी चलाने वाली है. एक अच्छा एडवांटेज ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास आ चुका है. अनदर वन ट्रैक्स एंड अब तो और एग्जिट फ्रैग की कोशिश रहनी चाहिए, हालांकि शायद ना हो पाए. तीसरा एग्जिट फ्रैग, ऑलराइट, चौथा एग्जिट फ्रैग रेक्सी पहले ये कर लेते मजा आ जाता, लेकिन समझ चुके हैं एग्जैक्टली कैसे उस चीज को काउंटर करना था, क्योंकि ग्लोबल की तरफ से काफी क्लीन राउंड्स हमको देखने को मिले हैं. पिछले दो जो तीन राउंड इन्होंने अपने नाम करे हैं, एक बार फिर से शावर्स की तरफ से मूव करने की कोशिश, और इस बार तो एक ऑल आउट एग्जीक्यूट ऑन द ए साइड एंड रॉसी इज गोना बी द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ दिस वन. शावर्स की तरफ उस ऑपरेटर को एक अग्रेसिव पीक देने की कोशिश, और Rofil थ्रू द टॉक्सिक स्क्रीन एज वेल. Rofil की ये दोनों पिक्स एक नंबर यहां पर देखने को मिले. रेक्सी की बात करें तो वो भी यहां पर एक को पिक कर चुके, हालांकि हेल रेंजर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया, बट एंटीडोट विद द चैनल स्पाइक डाउन ए, हालांकि वापस से पीछे आए. ए साइड पर कमिट करने की कोशिश यहां पर जरूर करी जाएगी, व्हिच जस्ट यू नो व्हिच जस्ट comes down to a few bad things. क्योंकि ए शावर से मूवमेंट यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं. फ्रेंजी से Rofil थोड़े बहुत शॉट्स लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा वहां पर बनती है हमें देंगी जरूर. वाइपर्स पिक का कमिटमेंट काफी अच्छा यहाँ पर किया गया, बट उन सब चीजों के बाद प्लेयर्स मूव करना चाहेंगे वाइपर्स पिक के राउंड, शायद उस कोने में जाकर के जो यू नो रेड नेट बॉक्सेस के पीछे रहता है वहां पर जाकर के प्लांट करने की कोशिश हो सकती है, जो एक अच्छा डिसीजन यहां पर बन सकता है. बट Rofil को समझना पड़ेगा कि स्किल्स का पिक निकालना कितना इंपॉर्टेंट ऐसे मौके पर बन सकता है. स्किल्स डेफिनेटली आगे उठ करके आना चाहेंगे. रेक्सी का एक शॉक डार्ट कापा को लेकर के जाता हुआ, Rofil सही समय पर देख नहीं पाए उस डायरेक्शन, वापस से पीछे मुड़ करके आते हुए यूहॉल्स के एंगल पर 17 सेकंड बचे हैं. प्लांट करना हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय. यस, वो प्लांट वाइपर स्पिट के अराउंड यहां पर किया जाएगा जरूर, लेकिन फंस चुके हैं Rofil ने जो देखा इस समय दो प्लेयर्स को अपने सामने, एक अच्छा पिक यहां पर निकालने की कोशिश होगी, लेकिन स्किल्स अच्छा पिक निकालेंगे. पिछले गेम में शेरिफ के अगेंस्ट हेलरेंजर फंसे थे, इस बार Rofil और फंसते नजर जरूर आए. डिफ्यूज साथ के साथ हो रहा था, बट वेल डिफ्यूजर हैज बीन किल्ड, आधा डिफ्यूज किया जा चुका है. वुड वांट टू गो फॉर द स्टिक बट नो स्किल्स, just waiting for it. 16 HP skills par leke decide kiya jayega, bahut sari cheeze yahan par parkhi jayengi, padi jayengi, uske baad spike lekar ke jaane ki koshish hoti hai, lekin aisa lagta hai ki spike bahut tezi se reset kar raha hai yahan par lekar ke jaane ki koshish kaafi chal rahi hai. Players ko dekha ja chuka hai, har koi taiyar hai. Seekers bhi dale ja chuke hain Shavas ki taraf se, Seekers ka istemal karne ki koshish, lekin ek ek karke players ko trade off kiya jayega. Instant trade offs hote hue skills was the last one to fall down as of now. Rofil ki operator ke sath का सिचुएशन इन सबके बीच में कापा प्लांट करते नजर आएंगे. रॉसी एक अच्छा पिक निकालते हैं, सैचल किया थोड़ा सा आगे आया, उनको लग रहा है कि और प्लेयर्स यहां से आ सकते हैं और उनको लग भी सही रहा है, बट एंटीडोट उनको पिक करते हुए नजर आएंगे. 1v2 का सिचुएशन, एंटीडोट अकेले बचे हुए हैं इस पूरे दिक्कतों के अंदर, इस पूरे दलदल के अंदर, और यू हॉल में एक प्लेयर कापा जी की थोड़ी सी कम, थोड़े बहुत शॉट्स वो मार जरूर रहे हैं, समय रहते उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ब्लाइंड किया जा चुका है, मतलब ये समझ में आ चुका है प्लेयर यहाँ पर रहेंगे, थोड़े बहुत शॉट्स रैंडमली लिए जरूर जा सकते हैं. ये नेबुला थोड़ी देर के लिए रहने जरूर वाला है, और उसी के अंदर गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल, सो ही विल गो फॉर द शॉट एंड वेल हेल रेंजर धीरे धीरे बैक ऑफ करते हुए एक ही तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली रॉसी जो शावर्स की पोजीशन क्लियर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, एंड हेल रेंजर विद द स्पाइक इज जस्ट फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स. हेल रेंजर पहले चाहेंगे कि नो रॉसी एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस ले ले, ताकि उस जगह का
थोड़ा सा ऑक्सीजन उनको भी मिल सके क्योंकि उनको भी आगे जाकर के डेफिनेटली प्लांट करना है. लेकिन हेल रेंजर और रॉसी एक दूसरे के साथ समथिंग डिफरेंट इज कमिंग. एक प्लेयर को स्पॉट करके पिक किया गया बट हेल रेंजर इज डाउन राइट नाउ. मतलब स्पाइक गिर जरूर चुकी थी. स्पाइक रॉसी के हिस्से में आ चुका है और दूसरी तरफ से रॉफ्यूल अपने नंबर्स पिक करते नजर आ रहे हैं. तीसरा पिक रॉफ्यूल के हिस्से में आता है और द गाय हैज अ क्रैक टीम एंड ही शोकेसिंग इट. 30 seconds left. Advantage. लेकिन इस मोमेंट तक रुकना क्यों? Jets grounded. It's Rossi time, is it? 1v2 का सिचुएशन है. समय ज्यादा नहीं है. कॉस्मिक डिवाइड तो और ज्यादा खेलता है आपके अगेंस्ट. जा रहे हैं 15 सेकंड का समय अभी इनके पास बचा जरूर है. एक प्लेयर ए साइड पर, एक प्लेयर बी साइड पर. आगे मूवमेंट करने की कोशिश. दैट्स नॉट हाउ द सैचल वर्क्स समटाइम्स. बट देन पता चल चुका है कि उनकी लोकेशन यहां पर स्पॉटेड है. जरूर प्लांट करने की कोशिश. 20 HP ये बचे हुए हैं. दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं. शो स्टॉपर डेफिनेटली अभी भी रहेगा. मतलब जॉब डॉट विल एंड चैली के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं. आई थिंक थोड़ी देर आपको और रुकना पड़ेगा एक चैली की रेस को एक्शन में देखने के लिए. जैसे ही अटैक पे एनिग्मा जाती है तब एनिग्मा का एक असली रंग रूप हमको देखने को मिलेगा इस मैप पे क्योंकि वो डबल ड्यूलिस का कॉम्प अगेन कंफर्टेबल पोजीशन वो अटैकिंग हाफ ही इनका रहेगा. थोड़े बहुत शॉट्स और यहां पर एक्सकाली की तरफ से ये जरूर गए थे. रॉफ्यूल जस्ट वेटिंग हियर कि ऑपरेटर में चार गोलियां पिक करने के लिए तो एक ही चाहिए. वो जो स्टार होता है उसको वापस पहुंचा दे लेकिन यहीं पर मुश्किलें बन सकती थी. अल्टीमेट देके डिप्लॉय बार बार किए जा रहे हैं. अंतर स्पीड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया. लेकिन एक्सकैली एक पिक निकालेंगे. रॉफ्यूल साथ के साथ एक पिक निकालते हैं. नजर जरूर आएंगे इस कंटेनर के अराउंड. यहाँ पर घूमते हुए जरूर प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच में कापा वो भी अपना पिक यहाँ पर बनाएंगे. रॉफ्यूल कैन ही टेक वन हेड डाउन. वेल जरूरत नहीं पड़ेगी स्पाइक के सामने और एक और प्लेयर स्पॉटेड थे. रॉफ्यूल कापा को पिक करेंगे. रॉफ्यूल हेवन पर बैठे हुए हैं. टॉक्सिक स्क्रीन अटैकर साइड से वो अभी तक जरूर ऑक्सीजन नीचे नहीं गई और वहीं पर आप देखिए कॉस्मिक ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से आया जरूर है. दिक्कतें हो सकती है. रॉफ्यूल द हिटमैन द एजेंट 47 इन द हाउस राइट नाउ. इजी पिक यहां पर निकाला. बाकी काम एंटीडोट करना चाहते थे. रॉसी ने एक पिक यहां पर निकाला जरूर है बट देन रॉफ्यूल को देखिए यू हॉल्स के एंगल चेक कर रहे हैं और एक और पिक उनके हिस्से में आएगा. ही डजंट केयर राइट नाउ. ही जस्ट सीज द प्लेयर एंड ही टेक्स हिम डाउन. रेक्सी दूसरी तरफ देख रहे थे और वही तो उनके लिए खराब बन गया. बट यहीं पर एक पिक डेफिनेटली उनके पास आएगा. रॉफ्यूल विद द थर्ड वन. डेफिनेटली दिस हिटमैन हैज सम नंबर्स ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट. रॉसी आखिरी प्लेयर बचा हुआ. डेफिनेटली एक पिक उन्होंने निकाला. इस समय दो और पिक्स निकाल करके इस राउंड को वो खत्म कर सकते हैं या फिर दो प्लेयर्स उनको देख करके इस राउंड को यहां पर निकालते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि एक और पिक यहां पर निकालेंगे. 11 एचपी एंड देयर कम्स रॉफिल विद अ 4 को इरिटेट करना स्टार्ट करते थे और अटैकर्स को वैसे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हैंडल करती थी अपने डिफेंसिव हाफ के अंदर. या तो वैसे खेल सकते हैं अगर रुक के खेलने की कोशिश करी. वेल चलिए स्पेकुलेशन खत्म करते हैं. राउंड स्टार्ट हो चुका है. पिस्टल राउंड एंड रॉफिल इज ऑलरेडी ऑन द साइड. एंटीडोट सीधा जाकर के प्लांट भी यहां पर करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं. साथ के साथ ये लोग साइड पर जाकर के साइड का ही कंट्रोल ले चुके हैं. हालांकि डिफेंडर्स इनके अराउंड घूम करके आप देखिए यहां पर आते नजर आ रहे हैं और उसके लिए रेक्सी प्रोबेबली तैयार तो रहना चाहेंगे. शॉक डार्ट डाली जा रही है. शॉक डार्ट से कोशिश. एक्सकैली की एचपी ऑलरेडी थोड़ी कम नजर आ रही है और वहीं पर कापा रेक्सी को पिक करते नजर आएंगे. 73 एचपी पर रॉसी यहां पर बचे जरूर हुए हैं और इन सब में आरवी के थोड़ा सा पीछे. हालांकि उनकी लोकेशन यहां पर स्पॉट शुरू की जा चुकी है. रॉफ्यूल कापा को पिक करेंगे. पोस्ट प्लांट खेलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के लिए. एंड देखते ही देखते ये सिचुएशन 1v2 की बन चुकी है जिसमें लाइटनिंग फास्ट 70 एचपी पर है और कोशिश उनकी थी यहां पे इनकी देखने को मिल सकती है. लाइटनिंग फास्ट बॉक्सेस के काफी ज्यादा क्लोज खेलते हुए ऑन ए शॉर्ट स्केल्स उनको बैकअप प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन ये टॉक्सिक स्क्रीन जिस तरह से ऊपर आती है. Alright. इसी के साथ एनिग्मा आगे क्लोज करना स्टार्ट कर चुकी है. रॉफ्यूल सबसे पहले साइट एंट्री लेते हुए नजर आएंगे. ओह ही हियर्स हिम जंपिंग. शावर का जो प्लेयर है लाइटनिंग फास्ट अब हंट होने वाला है बस. ही नोज़ और रॉफ्यूल आप बोल सकते हैं कि तो धप्पा करने के लिए आगे जा रहे हैं इस समय जिस तरीके से वो मूव करें. हालांकि आप तो देख भी लिया है बट वहीं पर रॉसी एक प्लेयर को पिक करेंगे एंड रेक्सी के शॉक डार्ट से लाइटनिंग फास्ट पिक हो चुके हैं जो शावर से पीछे गए थे. आउट ऑफ ऑल द थिंग्स शॉक डार्ट से यहां पर पिक होते हुए नजर जरूर आए. बॉल के अराउंड रॉफ्यूल वापस पीछे आ रहे हैं. तीन प्लेयर्स उनके सामने हो सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर. आप देखिए एक को स्पॉट किया पिक किया दूसरे को स्पॉट किया पिक करने की कोशिश. साथ के साथ आ चुके हैं. क्या बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग रहती है इस प्लेयर की. हालांकि रॉसी इस समय खुद 12 एचपी पर बचे हैं और उन्होंने रॉफ्यूल को पिक करा जरूर. ये बाय राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे असेंट पे हुआ था अगर ये सेकंड हाफ का पहला बाय राउंड जो आया है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे नहीं जीत पाए
तो एनिग्मा गेम को क्लोज करने के लिए आगे बढ़ेगी। 11-4 का स्कोर लाइन हो जाएगा, इसके बाद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए एक इकोनॉमिकल रीसेट होगा, 12-4 होने के चांसेस हमको काफी ज्यादा नजर आएंगे। बट दैट ऑल डिपेंड्स, अगर ये बाय राउंड ग्लोबल नहीं जीतती, अगर ये राउंड जीत गए तो एनिग्मा के पास एटलीस्ट 2 राउंड का और एक सेफ्टी कुछ अवेलेबल होगा। बट एंटीडोट विद द शेरिफ, डेंजर मैन को ही पिक ऑफ किया गया है जो मिड पे लर्क करते हुए पकड़े गए। यहाँ गन्स बचाना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गन्स बचाए किसी तरह 11-4 पे आप ट्राई कर सकते हैं कि किसी ना किसी एक प्लेयर के पास और आप अपग्रेडेड वेपन दे दे। और चीज देखिए, एनिग्मा वैसे आगे नहीं जा रही जैसे आपको याद होगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अकेले रेक्सी को पकड़ने के लिए जा रहे थे, आपको याद होगा वो वाले समय में वो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग थी। अब जरूर गए, हालांकि यहां पर वो उतना आया नहीं, बट अगेन जैसे मैं कहता हूं वो सिचुएशन अलग थी। 5 राउंड के एडवांटेज काफी रुक के खेल रहे हैं, जो सही भी है, जो सही भी है। पता है ऑलमोस्ट गेम उनके हिस्से में अभी के लिए चल चुका है, और भाई बिल्कुल देखिए स्किल्स को पिक किया, जैसे उनका आप बोल सकते हो कि उन्होंने एल्बो देखा था और शॉट मारा सिर पे दीवार के आर पार काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर शॉट निकाला गया। तो अब पता चल चुका है एक रीड आ चुकी है रॉसी, ऑलराइट दैट टू बॉट एक्चुअली वेंट टू अ डिफरेंट डायरेक्शन दो, जैसे इनकी कोशिश थी वैसा तो नहीं किया। एंटीडोट के बिल्कुल एंटीडोट ने वहाँ पर एक पिक किया, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें रॉफ्यूल ने काफी अच्छा काम किया, क्लाउड बर्स किया, डैश किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ को आ चुके थे, अपना एंगल वापस बदलना चाहते थे ताकि वल्नरेबल ना हो, लेकिन यहीं पर एक पिक निकालने की कोशिश हो सकती है। तो सामने रहेंगे दूसरा पिक रॉफ्यूल अभी के लिए निकालते हो, हालांकि उनको पिक किया जाएगा रॉसी के द्वारा। हेल रेंजर देख रहे हैं पी साइड पर बाहर निकालने की कोशिश, गाइडिंग लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इनकी तरफ तीन तरफ से हमला होता हुआ नजर आ सकता है, उसमें से एक को तो यहाँ पर खाली किया गया। वैंडल पिक करी गई है हेल रेंजर के द्वारा, काफी अच्छी चीज हो जाती है, गाइडिंग लाइट वापस से डालने की कोशिश। ये राउंड तो निकालना काफी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, हालांकि हेल रेंजर ही आखिरी प्लेयर बचे हैं। 25 गोलियां पीछे वाले प्लेयर को स्पॉट किया, बट स्पोर्ट्स कुड हैव कम आउट ऑन टॉप। लेकिन चलिए मैच पॉइंट पे आ चुकी है एनिग्मा गेमिंग, ये ब्लाइंडिंग लाइट थोड़ा ओवरशूट करेगा एंड रॉफियल इज गोना मेक देम पे। गापा और हेल रेंजर दोनों को पिक ऑफ करते हुए एंटीडोट ए साइड पे रॉसी को राउंड से बाहर निकालेंगे। 12-4 मेक दैट 13-4 5v2 5v1 एंड रॉफियल 4k के साथ फिनिश करेंगे पॉइंट के इस मैप को। शायद ए साइड पर स्पाइक को लेकर के जाने की कोशिश हो सकती है, बाहर आता है कापा के ऊपर, उनकी लोकेशन स्पॉटेड है, उनको टेक डाउन करने की कोशिश डेफिनेटली हो सकती है। धीरे 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 आगे मूवमेंट यहां पर करी जा रही है और इस सबके बीच में रॉसी एक अच्छा पिक निकालेंगे, रॉफिल को शट डाउन करते हुए नजर चल जाएंगे, बट मल्टीपल प्लेयर सामने दिखे थे, कापा को भी पिक किया जाएगा। एक्सकैली तो ब्रिलियंट 2K राइट नाउ आरबी के, उनके पास वो जो स्पॉट अप शेरिफ होती है उससे आधा डैमेज उन्होंने निकाला, अब तो क्लासिक की बारी थी, लेकिन स्किल्स उनको शट डाउन करेंगे। एक्सकैली इज पॉपिंग अप 3K बाय एक्सकैली राइट नाउ। एंटीडोट वो स्किल्स को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे में एक्सकैली वो बस साइड के अराउंड रुकना जरूर चाहेंगे। एंटीडोट धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं हेवन पर, हेल रेंजर अभी के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सकैली को समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा कि हेवन पर कोई ना कोई मौजूद हो सकता है और एंटीडोट को यहाँ पर पिक किया जा सकता है। हालांकि हेल रेंजर शॉट कनेक्ट नहीं हुए, दिक्कतें बहुत हो गई, एंटीडोट उनको वो पिक मिलेगा एंड स्किल्स विद द 3K ऑफ हिमसेल्फ, बट एक्सकैली विद द 4K देनी पड़ेगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से काफी अच्छा प्रयास किया गया, चलिए देखते हैं। कापा एक बार फिर से अग्रेसिवली ए लॉन्ग देखने की कोशिश तो कर रहे थे, बट सोवा के रिकॉन बोल्ट का लाइनअप जो होता है इस मैप पे आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, स्पेसिफिकली इफ यू आर अ प्लेयर प्लेइंग ऑन दैट ए लॉन्ग या ए साइड पे कहीं पे भी आप खेल रहे हैं, ये आपको लाइनअप करने पड़ेंगे। आई मीन यू हैव टू डिसाइड, वो रिकॉन के लिए तैयार रहना पड़ेगा रैज ऑन द प्लेयर्स। लेकिन चलिए ए साइड एक बार फिर से खराब पोजीशन एंड एनिग्मा वन आफ्टर द अदर, व्हाट इज हैपनिंग, स्किल्स ने एक पिक निकाला सिंपल इज बट ये अब ये एक्चुअली एक यू नो अंडरस्टैंडिंग बन चुके डिफेंडर्स के लिए कि हमें ज्यादा एग्रेस नहीं करना, लास्ट टाइम काफी एग्रेशन था लेकिन रॉसी ज्यादा आगे चले गए, 32 HP पर बचे हैं, फिर से एग्रेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। बुलडॉग तो पिक करी जा चुके हैं और रॉफिल उनको पिक करेंगे, डेफिनेटली इट वाज सपोज्ड टू हैपन, जिस तरीके से उनकी HP काफी कम करी गई थी, साइड का पूरा कंट्रोल आ चुका है, हालांकि लिंक से डिफेंडर जरूर जा रहे हैं बट तब तक बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में आप एक प्लेयर को देखिए जो खुद अकेले जो सोवा है अटैकर्स के, वो कहीं और ढूंढने जा रहे हैं, उनको लग रहा है अभी भी कोई विंडो से आ जरूर सकता है, लेकिन हर कोई है और एक प्लेयर अभी के लिए यहां पर बचे, उनको कंकस किया जाएगा एंड इजी पिक डिस्कशन।
बट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस. अगर ये गया नेक्स्ट Icebox है, Icebox पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट, नो डाउट दे आर वेरी गुड ऑन Icebox, बट रीसेंट Enigma के जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं, दे हैव बीन इनक्रेडिबल. Yes, this new Enigma, you definitely have to fear it. But खैर, see long पर देखिए, ये जा रहे हैं और वहीं पर एक टप्पा सिर पर पड़ता हुआ लाइटनिंग पास की तरफ से दिखाए जरूर देगा. रॉफिल धीरे धीरे पीछे आएंगे. पहली बार Enigma को अभी झटका लगा है, बार बार फ्लाइंट किया जरा. सी लॉन्ग का डिसीजन, आई एम प्रीटी श्योर कि अब इनको समझ में आया कि दिक्कतें जरूर उनके लिए बन रही है. सी लॉन्ग को ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकती. रॉफिल को डैशेस है नहीं, हालांकि सीकर्स के साथ जाने की कोशिश. रॉफिल टेक्स वन डाउन. साइट के अंदर घुसने की अब कोशिश है. गैराज को भी एक बार चेक किया जाएगा, ट्रेल ब्लेजर डाल करके उसके अराउंड चेक किया जाएगा. एंड पहले प्लेयर को स्पॉट किया गया, बताया गया और एडजस्टमेंट यहां पर हो चुकी थी. दूसरा पिक निकालते हुए एक्सकैली साथ के साथ काम करने के लिए पहुंच चुके. देखिए दोनों तरफ से ऑपरेटर आ चुकी है, दोनों टीम के फुल बॉयज हैं. अब आई होप ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से हमको उनका खाता खुलता हुआ नजर आया. एंड आई थिंक एसके रॉसी कोशिश कर रहे हैं कापा के साथ ए लॉन्ग की पोजीशन पुश करने की, बट दूसरी तरफ रॉफ्यूल स्किल्स को पिक ऑफ करते हुए नजर आते हैं. सी साइड को ऐसा लग रहा है एक्सपोज कर दिया गया है. लाइटनिंग फास्ट जंप पिक करने के लिए जाते हैं रेडियोनाइट बॉक्सेस के पीछे से, एंड द कैमरा इज गोना टैग एक्सकैली, बट इट्स नॉट गोना मैटर. इंस्टेंटली कापा जो है उनको पिक ऑफ किया जाता है. आरबीके बैक स्टैप चेक करने की कोशिश, एंटीडोट भी उनके साथ मौजूद है. Global Esports 3-5 के disadvantage में, and Enigma is still taking their sweet time. They want to. ये देखिए, आप जितना ऐसे sweet time लेते रहेंगे, ये इतना अच्छा हो जाता है कि ना आपको सोचने पे लिए एक बार मजबूर कर देता. और वहीं पर कभी में जाकर के Avenger एक को पिक करेंगे. हालांकि अब C पूरा खुल चुका है, अब defenders एकदम से आ रहे हैं, हालांकि कम numbers में बचे हैं. लेकिन रॉसी ऑपरेटर लेकर के बैठे हुए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर इस ऑपरेटर के साथ इनको करनी पड़ेगी, और वो करेंगे भी रॉफिल को पिक करके. लेकिन स्पाइक तो कहीं और जा रही है, स्पाइक जा रही है ए साइड पर, जहां पर लाइटनिंग पास इस समय के लिए विराजमान है. एक बार लोकेशन चेक करने की कोशिश हो सकती है, पता चल चुका है कि एक प्लेयर डेफिनेटली वहां पर रहेगा. आप देखिए अपना कोशिश यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी रह सकती थी, लेकिन लाइटनिंग पास गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं और उस चीज का हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा. नाउ इट कम्स डाउन टू रॉसी एंड दैट फैंटम फॉर हिमसेल्फ. इट टेक्स उसके हर एक प्लेयर के पास अपनी अल्टीमेट अवेलेबल है, जिसमें से एसके रॉसी ऑलरेडी ब्लेड स्टॉर्म चालू कर चुके हैं. पांच डिफेंडर अल्टीमेट इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एक प्लेयर को पिक किया जाएगा आरबीके के द्वारा. रॉफिल उनके पीछे नहीं देख रहे, हालांकि वो मेन मैन को यहां पर पिक करते नजर आएंगे. हेलरेंजर उनको पिक करते हैं इंस्टेंटली. बैंडल यहां पर ये प्लेयर उठाता हुआ नजर आ रहा है और खुद शॉट की साइड पर मूव कर रहे हैं, बट जो स्पाइक है वो तो यहाँ से जा चुकी है. स्पाइक से निकल चुकी है, हालांकि हेलरेंजर एक और पिक निकालेंगे. रेक्सी कांटे के पीछे आते नजर आएंगे. एंटीडोट ऑल राइट, हल्का जरूर हो जाएंगे. डैमेज हल्का सा जो पड़ता है वो इनको पड़ा है इस समय के लिए. But this is where things get serious. Seekers का इस्तेमाल किया जा चुका है. Skills बिल्कुल पीछे. Skills यहाँ से अगर Seelong से सोचिए पीछे आते, कभी में players को पकड़ने की definitely उनकी कोशिश हो सकती है. हालांकि उनको यहाँ पर किया जाएगा और Excalibur उनको shut down करते नजर आएंगे. Things are not looking good now. हालांकि fight तो लेनी ही पड़ेगी. Lightning fast उनके पास, वो Sheriff है, but Hellranger की Bandit. अगर वो down हो गए definitely चीजें बदल सकती है. लेकिन आप देखिए Lightning fast diffuse पर आई थी एक समय के लिए, इसको रोका गया. अब वापस रिफ्यूज करने की कोशिश यहां पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हेलरेंजर पूरा गेम बदलते नजर आ रहे हैं. एक्सकैली हालांकि एक प्लेयर को पिक करेंगे. इट्स डाउन टू अ 1-on-1 सिचुएशन. व्हाट इज ही गोइंग फॉर, जस्ट वेस्टिंग आउट द टाइम. सीरियस एंड देयर इट इज, खुद भी चले जाएंगे. लेक साइड पर स्पाइक को लेकर के जाने की बात हो रही है. सोचिए सी साइड कितनी बड़ी लॉटरी हो सकती थी इस समय प्लेयर्स के लिए अगर वो जाते. एक बहुत बड़ी लॉटरी वहां पर, लॉटरी टिकट था आपके लिए. लेकिन But things might just look bad, but Rossi takes on Rofuel and he might just take another one down. This Rossi was needed, but Rexy bilkul samne, lekin Rossi isse se paar pana jante hain. Antidote unke paas unki khud ki operator, probably bacha karke rakhna zarur chahenge, bilkul aage nahi jana chahenge. But Rossi, ye Rossi ne round nikal ke apni team ki godi mein rakh diya. Exactly, बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे रॉफ्यूल को शट डाउन करना और साथ ही साथ उस चेंबर को भी आउट ऑफ कमीशन करना. और रॉसी ने एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप अपनी टीम के लिए लिया. जैसा आपने मेंशन किया कि वो सी साइड खाली थी, आई थिंक थोड़ा सा और इंतजार यहां पे करने की जरूरत. तैयार है पापा भी डी साइड के अराउंड, यू नो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऑलड्रोन ने डाला गया है. रॉफ्यूल को जरूर ये ऑलड्रोन यहां पर स्पॉट करता हुआ नजर आ सकता है, हालांकि उससे पहले ही ऑलराइट ऑलड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया. 45 सेकंड का समय यहां पर जरूर बचा हुआ है. सीकर डाले गए हैं Enigma गेमिंग के द्वारा, हालांकि आरबीके को कापा का शॉक डार्ट पिक करेगा. कापा लुकिंग गुड विद द शॉक डार्ट, बट आरबीके सॉरी रेक्सी यहां पर उनको पिक करते नजर जरूर आएंगे. आरबीके को पिक खैर पहले किया जरूर गया था. एक्सकैली गैराज की साइड से मूव करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में एक्सकैली के सामने पोटेंशियली दो अच्छे पिक्स हो सकते हैं. पहला बिल्कुल उनके सामने, मिस किया और स्किल्स ने उनको पनिश किया.
बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर मिली है एक्सकैली को, बट स्टिल ये के सिचुएशन में रॉसी घुस चुके हैं 45 एचपी लेकर के, फर्क नहीं पड़ता पेक्स निकाले, बट एंटीडोट को तो यहाँ पर फाइट लेनी थी। अच्छी खासी है जरूर, लेकिन लेकिन कापा की लोकेशन ऑलराइट उनके बारे में शायद अब जाकर के पता चल चुका है, एक शॉक डार्ट उन्होंने मारा था, रॉफ्यूल प्रेग्नेंट बॉक्स के पीछे कोने में रहना चाहेंगे, बट वेल कापा की तरफ से कोशिश एक यहां पर कनेक्शन होने की दरकार हो सकती थी, हालांकि वो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहीं पर एक पे और रॉफ्यूल निकालेंगे, डरते बिल्कुल नहीं है फाइट लेने से पहले, साथ के साथ चेंबर का टीपी होता हुआ थे, ज्यादा चेंबर रिफ्लेक्सेस दैट वी वांटेड टू सी, एंड वेल जो अभी तक रुकावट थी रोटेट करेंगे और इंस्टेंटली अगर थोड़ा और डिले कर देते सामने प्लेयर्स पैनिक करेंगे और हमारे लिए राउंड आसान हो जाएगा। वेल इस बार एनिग्मा अब तेज राउंड के एग्जीक्यूट्स के लिए जा रही है, एक ट्रेल ब्लेजर और गराज पुश, लेकिन एंटीडोट यहां पे हेल रेंजर को पिक करेंगे, ए लॉन्ग कंप्लीटली ओपन, इनफैक्ट ए साइड पे अब कोई भी नहीं है, दिक्कत है यहाँ पर सी साइड पर बन रही है, एक का तो सवाल ही दूर जा चुका है, आप देखिए इस साइड पर एंटीडोट अकेले नजर आ रहे हैं, अब प्लेयर जरूर जाना शुरू करेंगे क्योंकि सी साइड पर पहले हल्ला बोला गया और अब इस 3v3 के सिचुएशन के अंदर एंटीडोट पर बैठे हुए उनको दरकार है कि उनके प्लेयर्स आ जाएं जल्दी और वहां पर प्लांट किया जा सके, स्किल्स भी विंडो के बाहर अभी के लिए नजर आ रहे हैं, एंटीडोट अभी भी बस बैठे हुए कि कोई अगर जल्दी आ जाता है तो एक पिक निकालने की वो कोशिश करें, बट देन Looks like शायद उनको हेवन पर भी देखना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई उनको दिख जाएगा, एंड वहीं पर उनको अभी के लिए नजर आते हैं प्लेयर, हालांकि ये 3v2 का सिचुएशन बन चुका है एक्सकैली के द्वारा एक पिक निकालने के बाद, रेक्सी को पता चला कोई तो पीछे है और कोशिश रहेगी इंस्टेंट पिक निकालने की, बात यहां पर आती है लाइटनिंग पास को भी टेक डाउन किया जाएगा, मां कर रही है पता है नंबर्स एडवांटेज हो रखा उनके पास ओवरऑल राउंड के हिसाब से, तब भी आगे जाकर के पहले इनको मारना इंपॉर्टेंट होता है, इन्फॉर्मेशन मिल भी चुके कि सीयूएस पर ए शॉट पर एक प्लेयर जरूर तैनात है, जरूर मौजूद है, वहीं पर आप देखिए रॉफ्यूल विद दैट क्रैक टीम एक प्लेयर को पिक करेंगे, समबडी एक्चुअली चेक इज बैक, इट माइट बी हर्टिंग कैरिंग द टीम राइट नाउ, एंटीडोट एक और प्लेयर को यहां पर पिक जरूर करते हुए नजर आएंगे और एनिग्मा वापस से साइट के अंदर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके बैठी हुई है, दिस टीम is just on a different level right now. Exactly, Enigma का कोई जवाब नहीं, बहुत ही बेहतरीन execute यहाँ पे देखने को मिला, time अपना पूरा लिया और उस trailblazer से बस एक player की information आई थी, but याद है वो free flowing asset जिसका नाम है Rofuel 60 jersey के पीछे number लिखा है, थोड़ा सा निराश रहेंगे, but चलिए first half का आखिरी round आ चुका है and Odin यहाँ पे देखने को मिलती है खापा के हाथों में, होपफुली काफी वैल्यू यहाँ पे इससे निकाल पर 9-3 भी अगर स्वॉप कर जाते हैं कोई चीज यहाँ पे कोशिश रहेगी, रॉस ही शुरुआत करते हुए रॉफ्यूल को पिक ऑफ करते हुए, वेट कापा 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 दिक्कतों में एकदम से उस ओडिन के साथ ही दिक्कतों में आ गए, हालांकि सीकस का इस्तेमाल किया गया, हेल रेंजर एक पिक निकाल करके कापा को दिखा रहे हैं, इट्स डन दो एंड पीछे एंटीडोट सीकस को खत्म करना चाहते थे, बट दिक्कतें बहुत ज्यादा बन चुकी हैं आरवी के गैरेज के बाहर इस समय के लिए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहेगा एंड कापा फाइनली पॉप्स ऑफ विद दैट ओडिन, दो प्लेयर्स हैं एनिग्मा के खेमे में सी साइड के अराउंड घूमते नजर आ रहे हैं, प्लांट करना बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज उनको भी पता रहेगी, लेकिन जैसे ही वो आगे जाएंगे आप देखिए उनको स्पॉट कर सकते हैं, दैट वाज द बैड वन, दैट वाज अ बैड डिसीजन, पता चल गया था कि रॉसी उस डायरेक्शन से देख रहे हैं, हालांकि अब उनको पिक किया जाएगा रेक्सी के द्वारा, 1v4 का सिचुएशन है, बट जहां पर प्लांट करें वहीं पर दिक्कत बहुत ज्यादा है, हम कास्ट से ये चीज होती है शब्दों को समझ के परख करके बोलना होता है और वहीं पर ये अगर एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है, एग्जैक्टली अगर या फिर से बोला मैंने, बट एग्जैक्टली सी ये आएगा, दैट इज अ बिग इफ आई नो, बट इफ दैट कमबैक हैपेंस, इफ दैट कमबैक, आई थिंक सबके मुंह पे सेम ही चीज रहेगी, दैट द कर्स इज रियल, well we'll have to see kyunki lightning pass ko pick kiya gaya aur yahan par rvk all right unko pick kiya jayega, rock will have to take out the big man is down, rexy goes down as well and we were talking about the curse, well it looks like the curse might just be real kyunki jo rounds hai unki shuruaat yahan par globally sports achhe tarike se kar rahe hain, antidote unke paas ek ghost tag spot kiya, pick zarur kiya dusre ko bhi spot yahan par kiya gaya, oh that is going to be enough for him, but ye marshall ओह शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, पहला शॉट वेस्ट होता हुआ, एसके रॉसी काफी तेजी से आगे मूव कर रहे हैं, बचने की कोशिश में नाकामयाब रेक्सी, ड्रॉपफुल अब इनके सामने फ्रेंजी लेकर के, लेकिन उन्हीं की लोकेशन स्पॉट करी जा चुकी है, एक प्लेयर को पिक किया डैश करने की कोशिश थी, हालांकि कापा तो पकड़ते हैं, चार हो गया यहां पर आज की जो वॉटअप पर देखने को मिल जरूर रही है, क्लासिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, स्विच किया है उन्होंने मार्शल के ऊपर, बट ये गलत डायरेक्शन में देखना, ये दिक्कत दिखा दिया, स्किल्स एक पिक निकालेंगे सोचिए,
And this is where Globally Sports will have another round for themselves. 9-5, Johnny. What are we witnessing again and again? Maybe a comeback. Who knows? Ouch. Side se bhi aap dekhe, trail phase ko dala gaya hai. Definitely angles. Thode bahut jo shot ke immediate angles rehte hain, unko check out karne ki pehli priority. Definitely players ki reh zarur sakti thi. Halanki antidote ke samne multiple players aane wale hain. Chamber ki taraf se baat kare to unhone apna लेकिन तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर विस्तार में उनके सामने आ सकती है. एंड दैट इज के बी साइड पर एक अटैकर अभी भी स्पाइक उठाई जाएगी. क्लाइंट करने की कोशिश पता चल चुका है प्लेयर बिल्कुल सामने, लेकिन गलत डायरेक्शन में देखना ही खराब बन सकता है. इस सिचुएशन में रॉसी भी सामने आ रहे हैं. इमीडिएट लेफ्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल रेंजर ने देखा अभी, बट द स्पाइक इज डाउन अगेन. रॉसी उनके लिए सिरदर्द बन चुका है स्पाइक, क्योंकि स्पाइक उनसे दूर है. बार बार उनके बारे में पता चल रहा है, लगातार उनके बारे में पता चल रहा है. 30 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ करके आगे मूव करना है, लेकिन वहीं पर सामने ए लॉबी के अंदर नजर आ रहे थे. शॉर्ट साइड से मूव करने की उनकी कोशिश हो सकती है. वो शायद रॉसी को यू नो डेफिनेट इमीडिएट कवर्स देते हुए नजर आ सकते हैं. इनफैक्ट अगर रॉसी पिक हुए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो साथ के साथ ट्रेड ऑफ लें. लेकिन उस सब चीजों से पहले एक आउटड्रोन उनका गया था ए साइड को, पूरा यहाँ पर भांपने की कोशिश कभी का प्लेयर यहाँ पर टेकडाउन किया, जो एक बड़ा प्लेयर पिक हो जाता है. ए साइड भी वहां पर टेकडाउन करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, बट इन सबके बीच में एक अच्छा पिक एक्सकैली निकाल सकते थे, बट वो निकला नहीं. हेल रेंजर सी साइड पर प्लांट, डेफिनेटली गोइंग फॉर अ गुड राउंड राइट नाउ. एंटीडोट नीड्स टू गो फॉर अ 1v3, जो शायद नहीं हो पाया क्योंकि बी साइड पर ही, जब वो बी साइड से आगे निकलेंगे उनके पीछे एक अटैकर डेफिनेटली रहने वाला है. कुछ ही देर में इस मैप के ऊपर, क्योंकि जो डिफरेंस जिस स्पीड से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स यहाँ पे कट डाउन कर रही है, इसका मतलब इक्वलाइजर बहुत ही तेज से आएगा. इस ब्लेड स्टॉप पे काफी वैल्यू निकालना होगा. एंड रॉसी इज जस्ट गोना शट इट डाउन. अल्टीमेट का जीरो वैल्यू. रॉसी अपनी वैंडल के साथ आगे पुश करते हुए नजर आते हैं. रेक्सी क्लोज एंगल होल्ड तो कर रहे हैं क्लासिक के साथ, लेकिन पिक करना यहाँ पे आसान नहीं रहेगा. दो पिक्स निकालने से रुक जा चुके, लेकिन उसके सामने एक स्कैली आ गए थे मुंह के सामने, लेकिन हेल रिंग थ्रो लाइक पास की प्लेयर ने कट कर नजर आए. ही इज जस्ट वेटिंग. आउटड्रोन डेफिनेटली डाउन करेंगे. उनकी लोकेशन स्पॉट करने की कोशिश थी, लेकिन उनके बारे में पता डेफिनेटली चल चुका है कि कोई ना कोई ऑपरेटर लेकर के बैठा है, तो वहां से एंगल्स पर पीक करना नहीं होने वाला है. इसका मतलब स्पाइक यहां से हटेगी और स्पाइक जा रही है ए साइड के अराउंड. आप देख सकते हैं ए लॉबी तक स्पाइक पहुंच चुके हैं. शॉट से जो प्लांटर है उनको लेकर के जाया जा रहा है. सीक्वेंस का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया गया. नेक्स्ट वन विद द फर्स्ट मैन टू गो डाउन इन द सिचुएशन ए साइड पर बता दी कि अभी सरवाइव कर रहे हैं. एक पिक अच्छा निकाल दिया, दूसरा पिक निकाल सकते थे. हेडिंग हुआ था बट वहीं पर न्यूरल नेट का भी इस्तेमाल सही समय रहते हुए कर लिया, जरूर गया था. एंड द स्पाइक इज जस्ट आउट देयर ऑन द ए साइड. और जो अटैकर है अभी उनको तो पहुंचना है स्पाइक तक, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर होने वाली है. हालांकि एक प्लेयर के पास यहाँ पर स्पाइक है जो कि साइड के अंदर मौजूद, उनकी नजरों के सामने टेनली को पिक किया जाएगा रॉफिल के द्वारा. इट्स डाउन टू अ वन ऑन टू सिचुएशन दो. अब तो खैर दिक्कत हो चुकी है, अब उनके बारे में सब कुछ पता है, तो अब यहाँ से छुप बिल्कुल नहीं सकते. एंड बिल्कुल बाहर की तरफ को आ चुका है, वापस से हेवन की तरफ को लोकेशन रखने की कोशिश होगी. एंटीडोट इस समय के अंदर एक अच्छा बेट डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन वन एनिमी रिमेनिंग. Why? Antidote. खैर हल्का सा पैर स्लिप हुआ, मैं यही बोलूंगा, लेकिन ड्रॉप फ्यूल नहीं स्लिप हुए. वो अपना फ्लो वापस से बनाने की कोशिश डेफिनेटली करना चाहेंगे. ड्रॉप फ्यूल पिछले राउंड के डेफिनेटली हीरो रहे हैं, जब आखिरी पिक उन्होंने निकाला. अदरवाइज रॉफी वहां पर तेज हो सकते हैं, लेकिन स्किल्स एंटीडोट को ही पिक करते हुए नजर आएंगे. आरवी की बात करें तो उनके पास टूडे फोर्स है, जो वो ए शॉट से. This is going to be interesting. SK Rossi, operator versus Tour de Force, Chamber versus Jet. ज़्यादा interesting होगा और उसी में RVK एक अच्छा pick लेकर के जाते हैं Rossi का. It was needed. Shot पर एक player को vulnerable, एक player को definitely down किया गया and उसी का फायदा यहां पर डेफिनेटली लोग उठाना चाहेंगे. 4v4 का सिचुएशन पूरा आ चुका है. आरवी के इस पर अपनी पोजीशन बदल के हेवन पर आ चुके हैं. रॉफिल वो गैराज की साइड की एंट्री देख रहे हैं, अगर कोई गैराज से एंटर होता है तो डेफिनेटली उनको पिक किया जाएगा, लेकिन इस सबके बीच में आरवी के एक और पिक निकालेंगे. पोजीशन बदलना डेफिनेटली काम है. हम बात कर रहे थे चेंबर कहां है, चेंबर यहां है और चेंबर डेफिनेटली पिक्स निकाल रहे हैं. अब तो अगले पिक की बारी आती है, क्योंकि अब तो आपको या तो साइड के अंदर घुस करके प्लांट करना है, समय ज्यादा बिल्कुल नहीं बचेगा.
साथ के साथ देखिए अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा बेहतरीन है। ऑल राइट, एक शॉट मिस हुआ बट अगली बार सेम गलती नहीं होती है और उसी का फायदा यहां पर उठाएंगे। वन मोर बाय आरवाओ, आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी हेल रेंजर। बहुत इंटेंस सिचुएशन है, हाई प्रेशर सिचुएशन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए। पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड ऑल आउट ए कमिट राइट नाउ। This might just be really bad. जिस तरीके से आप देख सकते हैं A side पर commitment, yes that is happening. Globally sports के players आना चाहते हैं लेकिन उनके footsteps, उनकी रग-रग से वाकिफ रेक्सी सारे callouts दिए गए होंगे। Chase करने की कोशिश, हालांकि instant trade आता हुआ और RV के दिखाते हैं कि सिर्फ chamber ही उनका strong shoot, सिर्फ chamber का टूटे पोस्ट उनका strong shoot नहीं है, पूरा game उनका strong shoot बन सकता है। It comes down to a 1v3 situation. Astra के पास cosmic divide है, utilities, abilities, I don't think so that's going to be mattering out here. हालांकि उसका इस्तेमाल किया जाएगा। Kappa is the last man surviving, can he be the clutch part that we know him from? But दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। स्पाइक उठाएंगे क्या, यहां से भाग करके जाएंगे, वो एक सवाल है क्योंकि यहां से निकल सकते हैं हर कोई ए साइड पर है। आपको उसके, आप उस कॉस्मिक डिवाइड के दूसरी तरफ थे, हालांकि अब वो कॉस्मिक डिवाइड खत्म होने वाला है। ये माइंड गेम डेफिनेटली है। पीपल माइट जस्ट बी थिंकिंग ही इज आउट बट वेल ही इज आउट ऑफ द लॉबी राइट नाउ। अब देखिए डिफेंडर्स थोड़ा सा आगे जाते नजर से दुरा रहे, लाइटनिंग पास और रेड ऑर्ब लेने का फेक आउट करने की यहां पर कोशिश थी। स्क्रीन ए पर आप देखिए कितने अच्छे एंगल पर बॉल को यहां पर जरूर आ गया था। लाइटनिंग पास स्टिल सर्वाइविंग, शॉट जरूर किया उन्होंने प्लेयर्स को और बता दिया होगा। इंस्टेंटली यहां पर ट्रेड ऑफ लेने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। रॉफ्यूल बिल्कुल आगे जाते हुए एक प्लेयर को स्पॉट करके ऊपर एंड एक प्लेयर को नीचे भी स्पॉट किया था, मतलब तक क्लियर हो चुकी थी। एंडिंग यहां पर किया गया बट रेक्सी का शॉट आउट लाइटनिंग पास को लेकर के जाता हुआ। देखिए कितना कितना तेज ये शुरुआत हुई लेकिन इस सब में दिक्कत ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को। हेल रेंजर 21 एचपी पर विराजमान, द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। अर्ली एग्जीक्यूशन जो करी गई अटैकर्स के द्वारा, डिफेंडर्स उससे बच नहीं पाए। एनिग्मा की तरफ से देखने को मिलता है जहां पे मिड चेक करने आरवी के गए थे बट अब वो ए पे कोशिश कर रहे हैं आई बिलीव, देखने की कहीं कोई बैक स्टैप के लिए तो नहीं जा रहा है। ये स्पेक्टर्स काफी ज्यादा डेडली साबित होने वाली। फिलहाल एक्सकैली की वैंडल ओपनिंग पिक निकालते हुए अब जो वाइपर है उनको हट डाउन किया जा रहा है एंड वेल हेल रेंजर इज गोना बी टेकन आउट ऑफ द पिक्चर। लाइटनिंग फास्ट कभी भी पोजीशन को वो भी स्पॉटेड आउट है मिड पर एंड रॉ फ्यूल कापा के आगे उनके चेहरे के सामने खड़े होकर रीलोड कर रहे थे एंड कापा ही मेक्स हिम पे। एसके रॉसी स्नोमैन से पुश करने की कोशिश में नाकामयाब, कापा अकेले बचे हैं इन अ 1v2। लास्ट टाइम भी अकेले बचे थे लेकिन तब तक अलग थी। वेल काफी इंपॉर्टेंट राउंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए, इस बाय राउंड को जीत के अपने कदम आगे बढ़ाने में ऑलमोस्ट वहां पर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के काफा जो है वो ऊपर आ गए थे। हेड दिख जाता, ऑलरेडी देखिए उसकी लोकेशन पता थी, हेड दिख जाता दिक्कत होती बट लाइटनिंग फास्ट कैली को पिक करेंगे। रॉ फ्यूल जोन स्पेक्टर लाइटनिंग फास्ट को पिक करेंगे। ये बताया जा रहा है आरबीके के द्वारा कि ऊपर कोई ना कोई तो चढ़ करके बैठा हुआ है एंड स्किल्स वो प्लेयर होने वाले हैं जो यहाँ पर ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। उनके पास टेलीपोर्ट करके यहाँ से हटने के लिए देखिए अच्छी जगह है बट दिक्कत ये हो जाएगी कि क्या वो फाइट ले पाए क्योंकि उनकी लोकेशन डेफिनेटली स्पॉटेड है। अपनी जगह बदली गई है, एक पिक निकाल सकते हैं पीछे की तरफ अगर वो देखते हैं लेकिन गलत समय पर गलत जगह देख रहे थे और ये गलती इनको बहुत भारी पड़ी। और वहीं पर हेल रेंजर की बात करें तो मिड के अराउंड ये देखते नजर आए लेकिन जिस डायरेक्शन में देखे इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली एक प्लेयर आरवी के नजर आ रहे थे। स्पाइक इनकी नजरों के सामने वो एक लालच बन सकता है अगर ये उस डंपस्टर के आगे देखने चाहते हैं लेकिन पर आरवीके के सामने रहेंगे और पिक आरवीके निकालते नजर आएंगे विद दैट शेरिफ। सिर पर चांटा यहां पर पड़ता हुआ और अब 30 सेकंड्स लेफ्ट रॉसी आई मीन लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग डिफेंडर्स को इन्होंने डिले किया था इसके रॉसी का रोटेशन और उसी चीज के चलते एनिग्मा के पास क्लियर इंफॉर्मेशन थी कि आखिरी प्लेयर जो है वो ए साइड पर। ये एंटीडोट इज गोना गेट स्पॉटेड आउट, रॉसी के पास आता हुआ एक बेहतरीन पिक बट स्टिल इट्स अ 1v2। स्पाइक प्लांटेड, रीटेक के लिए यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर कोई हंट के लिए आता है बस उन्हीं को पिक करेंगे और अपने आप को और इस फैंटम को बचाएंगे। वो बैंक या टाइम लगेगा, मनी इज वेरी की बात करें तो रॉफ्यूल जा रहे हैं किचन पर, हेल रेंजर को देख सकते हैं पिक करने की इंपॉर्टेंस भी यहां पर रहेगी। दोनों ने देखा डैमेज दिया रॉफ्यूल को, डैमेज मिला जरूर है बट देन अब वो जब जाएंगे तो अकेले नहीं जाने वाले हैं, उनके साथ डेफिनेटली कोई नहीं रहेगा। एंड द स्पाइक इज गोइंग ऑन बी विद सेफ्टी राइट नाउ, द स्पाइक इज गोइंग ऑन बी, बी साइट इज एम्प्टी,
हर कोई अब स्नोमैन की साइड से, डिफेंडर्स को की अगर हम लोग बात करें, आप देखिए स्नोमैन की साइड से वो देखने के लिए जरूर आने वाले हैं। स्पाइक को प्लांट किया जा चुका है और उसी के राउंड खेलना पड़ेगा। रॉसी विद द क्ले शॉट टेक्स डाउन वन, एंटीडोट को टेक डाउन किया गया था, अगला प्लेयर बिल्कुल सामने रहेगा एंड रॉसी जस्ट टेक्स हिम डाउन एज वेल। इफ दिस इज द राउंड दैट दे वांट टू विन, रॉसी को और पिक्स निकालने पड़ेंगे। वेल स्किल्स आते हैं आरबी के, आखिरी प्लेयर बचे हुए, डिफ्यूज करने की कोशिश, डेफिनेटली स्नेक बाइट डाल के द क्लाउड को सटेगा। तीन तरफ से देखना पड़ेगा कहां कहां देखेंगे आरबी के, इस तरीके से ये लोग यहाँ पर फाइट लेने वाले हैं क्योंकि टैग भी किया जा रहा है इन्हीं को, तो इनको पता है कि इनकी लोकेशन बहुत वल्नरेबल पोजीशन पर आ चुकी है। एक्सकैलिबर ही डजंट केयर दो, लोकेशन स्पॉटेड है, पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर तीन एचपी पर रॉफ्यूल बचे, हालांकि वाइपर स्प्रिट का कमिटमेंट हो चुका है, उनके बिल्कुल सामने प्लांट किया जाएगा। डिफेंडर्स को अब देखना पड़ेगा कि ये रीटेक कैसे ले सके। देखिए पिछले राउंड का वेंच बहुत अच्छा था, बट देन अब रीटेक लेना। ये ऑलड्रोन अगर थोड़ा अंदर आकर के वाइपर स्पिट के अंदर कमिट किया जाए तो देखिए कितना अच्छा हो सकता था। हालांकि यहाँ पर एक पिक निकाला जाएगा लेकिन इंस्टेंट रेड किया जाएगा, स्किल्स को रिवाइवल डेफिनेटली मिलता है और रॉफ्यूल की एचपी 41 एचपी पर बचे हैं। क्लाउड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं बट ही स्पॉटेड नाउ एंड दैट वुड बी अ बैड थिंग एज़ कापा टेक्स हिम डाउन। रेक्सी इंस्टेंट रेड्स निकले बट बाकी प्लेयर्स को तैयार रहना पड़ेगा, वो तैयार हैं इस समय के लिए। बट दूसरी तरफ साइड के अंदर स्पाइक के पास भी यहां पर फाइट्स चल रही हैं और साइड अटैक्स राइट नाउ आरवी के स्नेक बाइट के बिल्कुल अंदर, लेकिन यहीं पर पिक्स निकाले जाएंगे लाइटनिंग फास्ट के द्वारा। एक अच्छा पिक मिड पर जो कंटेस्टेशन हो रही है उसी के अराउंड प्लेयर्स जाने की कोशिश करेंगे। स्पाइक अभी भी अटैक का साइड स्पॉन के बाहर है और उस स्पाइक को लेकर के जाना बी साइड पर रहेगा, लेकिन वहीं पर तो दिक्कतें होती हैं। पता चल चुका है कि येलो कंटेनर्स के अराउंड कोई ना कोई अच्छा पिक निकाल करके नंबर्स को इवन करते नजर आएंगे, बट देन स्किल्स टू डिफोर्स से उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहां पर उठाना पड़ेगा भार निकाल करके टीम को देना, क्योंकि ग्लोबली स्पोर्ट्स एक एक करके प्लेयर्स को खो रही है। हालांकि कापा ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है इस समय के लिए, हंटर्स फ्यूरी का अच्छा इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए प्लांट को रोकता हुआ, बट देन अगेन प्लांट करने के लिए इनके पास वापस से सेफ्टी कुशन है, आराम से प्लांट कर लेंगे जब तक प्लेयर्स वहां पर पहुंचेंगे। येलो कंटेनर पीछे वापस जाने की कोशिश यहां पर रेक्सी की हो सकती है, स्पाइक हैज बीन प्लांटेड दो इट कम्स डाउन टू अ 2v2 सिचुएशन। क्लाउड बर्स्ट डाल करके कापा एक बार फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर एंटीडोट ड्रॉप फ्यूल कैर पिक्स निकालेंगे। गेमिंग ऐसा लग रहा है कि बी पे ही एक बार फिर से कमिट करना चाहते हैं, जहां पे वो वाइपर इन द फॉर्म ऑफ हेल रेंजर इनका इंतजार कर रही है। इंतजार भी किया, सीधा वाइपर्स पे एग्जीक्यूट कर दिया गया डिफेंडर्स के द्वारा। लाइक अब अगर प्लांट किया गया तो डेफिनेटली वो यू नो अलग अलग चीखे एंगल्स पकड़ करके वहां पर निकाल सकते हैं। पिक्स निकालने की बात करें, एक्सकैली की कोशिश अच्छी खासी थी, दस्तक देना चाहेंगे या नहीं इस वाइपर्स पिट के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है रॉफ्यूल का, क्योंकि हेल रेंजर आप देखिए उनके बिल्कुल करीब। हालांकि हेल रेंजर की स्पेशलिटी वो वाइपर्स पिट बन जाती है जिसके अंदर वो रहना चाहिए, उनका कंफर्ट जोन है। लेकिन दूसरी तरफ रॉसी दो पिक्स निकालते नजर आएंगे, तीसरा पिक रॉसी की तरफ से आता हुआ, स्किल्स को डाउन किया जाएगा एंटीडोट के द्वारा। एंटीडोट धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, 22 सेकंड का समय यहां पर बचा है। द स्पाइक राइट नाउ इज रोटेटिंग, द स्पाइक हैज टू रन थ्रू आउट एवरी प्लेस पॉसिबल। रॉफ्यूल एक और पिक यहां पर निकालेंगे, दोनों जेट्स इस समय कुखार बन जरूर चुकी हैं, बट समय ज्यादा नहीं है, एंटीडोट को जाना पड़ेगा, साथ के साथ स्पाइक प्लांट करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहीं पर रॉसी तैयार रहेंगे, तैनात रहेंगे, डेफिनेटली उनको पता चल चुका है कि उनको और पिक्स यहां पर निकालने पड़ सकते हैं। स्पाइक प्लांट हो चुकी है, रॉसी को प्ले मेकर बनना पड़ेगा। रॉसी ने डैमेज हल्का सा एंटीडोट को दिया स्नोमैन की साइड पर, और किचन की साइड की बात करें तो वहां पर एक पोटेंशियल पिक रॉफ्यूल के सामने आएगा। ही हैज अ 3k राइट नाउ, इट कम्स डाउन टू रॉसी, चार गोलियां उनके पास, रीलोड पर जाएंगे। 45 एचपी इस प्लेयर के पास, सामने से प्लेयर को गिरते हुए देखा जरूर है और उसी को पिक करने की यहां पर मेजरली कोशिश हो सकता है। कैसे में एक और प्लेयर को निकाल यहां पर अवेलेबल है, पर रॉफ्यूल को भी पॉप ऑफ होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर पिक्स निकालने पड़ सकते हैं। लेकिन ए साइड से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं हल्का फुल्का प्लेयर्स, शायद रीटेक। ऑलराइट वेल स्पोक टू सून, रॉसी और हेल रेंजर पिक जरूर निकालेंगे, हालांकि रॉसी को पिक जरूर किया गया था और आरवी के भी वल्नरेबल हो गए उस स्नेक बाइट के अराउंड। कापा पिक करते हैं, मतलब स्पाइक गिर चुकी है, स्पाइक गिरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस समय, एंड थोड़ी देर के लिए समय जरूर निकालेगा, लेकिन ये टॉक्सिक के नीचे होना जरूर स्किल्स के साथ इनकी बड़ी करवा सकता है। एंड वहीं पर स्किल्स एक पिक निकालेंगे, ऑलराइट दिस कम्स आउट टू 1v4 से प्लेइंग सो क्लीन जो दिखाई नहीं दे रही थी यहीं पर। स्किल्स 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 सही देख रहे हैं, वेल सही देखा था, लेकिन वापस से उनको टेक डाउन यहां पर किया जाता है। नंबर्स
दो इंपॉर्टेंट पिक्स, रॉफ्यूल उनको जीवन दान मिला था लेकिन उनको पिक किया गया, एक्सकैली के लिए शायद तैयार नहीं थे, और रॉसी धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, क्या ये बुलावा है साइट के और अंदर आकर के उनको पिक करने का? वेल लुक्स लाइक इट, एंड आरवीके, पहले अगर ये बुलावा था तो ये बुलावा सही नहीं आया यहाँ पर, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कहीं और ही देखते रह गए, बट हेल रेंजर जस्ट पॉप्ड ऑफ टेकिंग डाउन टू प्लेयर्स, बट क्या हेल रेंजर इस समय तीसरा भी लेकर के जा सकते हैं? आरवीके 1v2 के सिनेरियो में स्पाइक ए साइड के बाहर अभी के लिए पड़ी हुई है, इनफैक्ट अटैकर साइड स्पॉन के काफी करीब है, स्पाइक को देखा तो गया होगा, ऐसे में पिक निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पाइक है इट्स मूविंग, इट्स गोइंग ऑन टू द बी, दो स्नेक बाइट्स हैं, पोस्ट प्लांट खेलने के लिए जरूर काम में आ सकते हैं, एक स्नेक बाइट वहां पर डाला गया हेलरेंजर के द्वारा, बट देन इट वाज जस्ट नॉट इनफ, दोनों के दोनों प्लेयर्स, पहले सोवा की एंट्री साइट के अंदर होती नजर आएगी एंड देन इट वुड बी हेलरेंजर, वेल अब हेलरेंजर धीरे धीरे आगे जरूर जा रहे हैं एंड आरवीके जा करके पीछे कभी एरिया में बैठ चुके हैं, हेलरेंजर आप देखिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं उस स्पाइक के करीब जितना करीब हो सके, एंड नाउ ही विल जस्ट गो फॉर अ फेक, नो ही इज स्टिकिंग, ही इज स्टिकिंग, ही इज स्टिकिंग ऑन टू इट, ही इज स्टिकिंग, हाफ डिफ्यूज उसके बाद रुके, लेट्स सी ब्रेक कितनी जल्दी लगाए जाते हैं, एक बार फिर से ये पॉइजन और जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, रॉ फ्यूल और एंटीडोट मिड पे पुश करते हैं, रॉसी ब्लेड स्टॉर्म के साथ रेक्सी को शट डाउन करेंगे, बट एक्सकैली गेटिंग द ट्रेड और एक क्विक प्लांट ऑन द बी, बहुत जल्दी, यस बहुत जल्दी ये दिखमा एकदम से निकल गई, बट यही जल्दबाजी इस बार काम आ रही है, हम लोग बोलते होते हैं कैसे कर पाएंगे, यहीं पर आप देखिए रॉफ्यूल एक और पिक निकालेंगे, एक और पिक यहां पर रॉफ्यूल अपनी टीम को लेकर के दे करके जाते, इनफैक्ट एचपी बहुत कम थी, बट वेल ग्लोबली स्पोर्ट्स हेलरेंजर अकेले बचे हुए हैं सिचुएशन के अंदर एंड उनको भी पिक किया जाए, फिनोमिनल जॉब राइट नाउ हेलरेंजर, ऑल्दो इस राउंड के शुरुआत में ही थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलड्रोन को एक झलक तो दिखी होगी इनकी, और रेक्सी अब बस यही कोशिश करेंगे किसी तरह से इनको टैग कर पाए, लेट्स सी एंड इट्स गोना हैपन, टैग देम, डेफिनेटली टैग किया गया लेकिन वो खुद को इनो सेफ्टी एंगल्स को लेकर के आ चुके हैं, पर ये जो वॉल करी गई थी इसको कापा नहीं भांप पाए और वॉल के आर पार प्लेयर्स जा चुके, वापस से सेम अर्ली एग्जीक्यूशन यहां पर करने की कोशिश, लेकिन इस बार रॉफ्यूल फिर से प्लेयर को पिक करते नजर आएंगे, खुद प्लांट करने गए थे, प्लांट छोड़ा, पिक किया एंड किचन साइड पर आप देखिए कितने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, एक्सकैली वहीं पर पिक निकालते नजर जरूर आएंगे, उनसे पहले एंटीडोट ने किचन की साइड पर पिक निकाला, लेकिन यहां पर रॉसी डेफिनेटली एक प्लेयर को पिक करेंगे, बट रॉसी को और भी पिक्स निकाल, ग्लोबली स्पोर्ट्स जाने दे रही है, हालांकि यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ सकता है रॉसी को, ही डस स्पॉट हिम आउट, बट देन यहां से निकलना ही सही डिसीजन, ऑब्जर्वर इतने खूबसूरत हसीन शॉट्स दिखा रहे हैं आपको आइस बॉक्स, ओके ये दोनों साइड से एग्रेशन, आपने जो भी आपने देखा दोनों साइड से एग्रेशन एकदम से शुरू हुआ है, हालांकि इन सबके बीच में ये वाइपर स्पिट का जो कमिटमेंट जो ऊपर की साइड पर किया जाता है, वो वाइपर स्पिट का कमिटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, किस 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 तरीके से इसके आगे खेल पाएंगे, देखिए 30 सेकंड का समय है एंड वॉल जो है मिड पर वो की जा चुकी थी, लेकिन वो वॉल का काम यहां पर ज्यादा नहीं रहेगा, हालांकि ए साइड पर हेलरेंजर जो वाइपर है एक इंपॉर्टेंट मैन को यहां पर पिक करेंगे, अगला पिक एक्सकैली हेलरेंजर का करेंगे, वाइपर स्पिट इज डन फॉर एक्सकैली, द एम्प्रेस इज स्पीकिंग इन दीस एरियाज, हालांकि स्किल्स नेक्स्ट को पिक करते हैं नजर रहेंगे, लाइटनिंग पास ने आरवीके को डाउन कर दिया है, द टाइम इज ऑफ द एसेंस, इट डेफिनेटली इज 1v2 का सिचुएशन, कैन ही प्लांट और कैन ही नॉट, यस फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेक्स वन डाउन, इट्स अ 3rd के बाय एक्सकैली एंड देन इट्स जस्ट वन मैन शो फॉर एक्सकैली, क्या वो ये पिक भी निकाल पाएंगे, यस इट डस, एक्सकैली जस्ट कमिंग अप, बट अगर हमारे पास इस लाइन को बोलने के लिए, अगर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इस कर्स में बिलीव करती है, उस कर्स का एंटीडोट उनके अगेंस्ट, और वही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है, रॉफ्यूल आगे जा रहे हैं स्पॉट करने की कोशिश, बट रॉसी उनको पिक करेंगे, एक फील्डिंग के अंदर फंस गए थे यहां पर, बट एक्सकैली अभी भी पिक्स निकाल रहे हैं, हालांकि उनको और पिक्स यहां पर और बनाने पड़ सकते थे, बट कापा उनको शट डाउन करेंगे, इस राउंड को जीतना ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, जॉनी आपने बोला था, लुक्स लाइक ये राउंड निकाल सकते हैं ये लोग, 2v4 ए साइड कंप्लीटली खाली, और ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी ये बात रियलाइज हुई है कि मिड की तरफ अगर तीन लोगों ने पुश किया है, ए साइड पे डिफेंसेस डेफिनेटली लैक करेंगे, आगे मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे अकेले रेक्सी इनका इंतजार कर रहे हैं, रिकॉन के साथ प्लेयर्स को स्पॉट आउट तो कर लिया होगा, बट यहाँ पे ड्यूल लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लाइटनिंग फास्ट, रेक्सी की पोजीशन रिवील एंड ही इज गोना टेक हिम डाउन, ये पिस्टल राउंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के नाम ऑलरेडी जा चुका है, आरवीके क्लासिक के साथ रीटेक यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वो रीटेक डेफिनेटली यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बाद में हो सकती है कि जो क्रेडिट्स हैं वो डेफिनेटली बाद में ये थोड़े से शटडाउन किया जा सकता है, क्लासिक के साथ
बस पिस्टल हार गए। आपको पता है सेकंड राउंड भी अगर आप हार जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दो राउंड्स और कम हो जाएंगे, 6-5, 5-4 राउंड का एडवांटेज तो आपके पास तब भी रहने वाला है। लेकिन चलिए देखते हैं, आरवीके की पोजीशन रिवील हो चुकी है, शॉक डार्ट से डैमेज तो इनको झेलना पड़ेगा, शॉर्टी के साथ काफी ज्यादा आगे खेल रहे हैं और यहाँ पे स्किल्स को पिक कर लेते हैं तो शायद ग्लोबल ईस्पोर्ट को थोड़ा परेशान कर पाए, बट स्किल्स बैक ऑफ करते हैं और स्पेक्टर की रेंज से यहाँ पे ड्यूल जीतते हुए नजर आते हैं। स्किल्स को पिक करते हैं, डेफिनेटली एक फ्रैग उनके हिस्से में आया, दैट वाज रॉफ्यूल विविधरी का सिनेरियो के साथ साथ यहां पर एक प्लेयर और आ जरूर रहे हैं। रेंजर एक और पिक निकालेंगे, काफी अच्छा पिक इनके हिस्से में जाता हुआ वापस ए साइड की तरफ को मूवमेंट, कापा मिड देखते हुए अभी भी यहाँ पर तैनात है हेल रेंजर, उसी का हाथ पकड़ के साथ जरूर जा रहे हैं क्योंकि स्पाइक उन्हीं को प्लांट करनी है, बट रेक्सी मार्शल है डेफिनेटली अ वेरी गुड वेपन, बट विल इट गो फॉर अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, दैट्स द शॉक डार्ट। शॉक डार्ट मारा गया, लगा था कि शायद वो डिफॉल्ट प्लांट जो नीचे का होता है उसके लिए शॉक डार्ट ये था, बट देन स्पाइक प्लांट करिए चुपके से पीछे, ये प्लेयर्स आ चुके हैं, इट्स स्टिल सिचुएशन घूमती हुई नजर आ रही है और वहां पर एंटीडोट तैयार जरूर रहे इस राउंड के लिए, थोड़ा पीछे गए हैं और रॉफ्यूल धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, वो किचन की साइड से मूव करते हुए बी साइड को यू नो देखने के लिए आ रहे हैं, स्किल्स पहले थोड़े बहुत एंगल चेक करेंगे एंड देन उसके बाद डेफिनेटली एक कॉल हो सकता है किस तरीके से आगे देखा जाए। येलो कंटेनर के राउंड स्मोक किया गया, वो क्लाउड बर्स्ट किया गया एंड देन उसके साथ साथ मूवमेंट हुई है, हर कोई साइड पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अब प्लांट किया जाना काफी इंपॉर्टेंट, बट रॉफ्यूल टेक्स वन मैन डाउन, स्पॉट्स अनदर वन, ही स्पॉट्स टू इन फैक्ट, और वहीं पर रॉसी भी खुद को बचाते नजर आएंगे, हेल रेंजर प्लांट जरूर कर देंगे बट 15 गोलियां हैं रॉसी के पास, उनको ये समझना पड़ेगा राइट में गए जरूर थे, इंस्टेंटली डिफ्यूज करने की कोशिश की तरफ, बट उनके पीछे जो प्लेयर है उनको देखना काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो टीम में रहेंगे और वहीं से नंबर्स एडवांटेज वापस एनिग्मा बनाने की कोशिश कर चुके हैं, एक और प्लेयर डाउन, लुकिंग फॉर द डबल डिजिट्स एनिग्मा, यस दे आर स्पाइक राइट नाउ, वो ए साइड के बाहर हमें नजर आ रही है, तीन प्लेयर्स इनफैक्ट चार प्लेयर्स, चार अटैकर्स ए साइड के बाहर हैं और स्किल्स अकेले, हालचाल पूछना आए हैं थोड़ा सा बी साइड का जी कि कैसा तापमान है वहां पर, बट वहीं पर ए साइड पर बात करें तो एक्सकैल्स वो तैयार बैठे हुए हैं यहां पर पिक्स निकालने के लिए, वॉल करी गई है एंटीडोट के द्वारा, सही वॉल है इनफैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा समय आपके लिए ये व्यर्थ जरूर करती है एंड देन जब प्लेयर्स इस टॉक्सिक स्ट्रीम के भी आर पार अगर आना चाहेंगे तो उसमें भी दिक्कतें उनको बन सकती हैं, एक्सकैली वहां पर बहुत अच्छे पिक्स निकाल सकते हैं, एक बहुत अच्छा सेटअप यहां पर बनाया गया, बट द स्पाइक इज मूविंग अवे, द स्पाइक डेफिनेटली इज गोइंग अवे और स्पाइक जा रही है बी साइड पर जहां पर चेंबर का स्किल्स का कॉल रहा होगा कि यहां पर प्लांट डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, वेल अब बोला है तो कमिट तो करना ही पड़ेगा एंड कमिटमेंट की बात करें क्या रॉफ्यूल एक प्लेयर को पिक करते नजर जरूर आएंगे बॉक्स के ऊपर आ चुके हैं, उनके बिल्कुल नीचे यहां पर प्लेयर्स हैं, आरबी के प्लेयर को पिक करेंगे 15 सेकंड, स्पाइक हाथ में ही नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें, ये राउंड शायद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स बिना लड़े ही हार जाए क्योंकि स्पाइक उनके पास नहीं थी, हालांकि रॉसी यहां पर है बट शेरिफ और स्किल्स भी हमको स्पेक्टर के साथ ही नजर आते हैं, लास्ट राउंड बहुत ब्रूटल होने वाला है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए अगर ये राउंड भी हाथ से फिसला, ऑलरेडी इस राउंड की शुरुआत ही डिसएडवांटेज से हुई है। चलिए देखते हैं इस बारी ए साइड पे हैवी डिफेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, हैवी सेटअप एनिग्मा के लिए, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये ब्लेड स्टॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉफ्यूल के एचपी कम, टैग हो चुके थे बट बच के निकलने में कामयाब, वाइपर स्पेड आता हुआ हेल रेंजर की तरफ से बट रॉफ्यूल कापा को टेक डाउन करेंगे, एक्सकैली ट्रेड में बाहर, एंटीडोट स्किल्स को बाहर ले जाते हुए हेल रेंजर स्टिल सर्वाइविंग, जितनी देर तक हेल रेंजर जिंदा है उतनी देर तक ये वाइपर स्पेड रहेगा और जब तक ये वाइपर स्पेड है जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम, बट रॉफ्यूल डेफिनेटली बहुत ज्यादा बोल्ड यहां पर आया था, वो वाइपर स्पिट में घुसे बिना यहां पर सिर दर्द बनना चाहते हैं प्लेयर्स के लिए, हालांकि उनको टेक डाउन किया जाएगा लाइटनिंग पास के द्वारा, हेल रेंजर भी एक पिक निकालेंगे, अब आरबीके के कंधों पर भार पूरा आ चुका है, हेल रेंजर की खुद की एचपी बहुत कम है बट ये वाइपर स्पिट का जो पफ है जो इनको मिल रखा है उसी के अराउंड ये खेल नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर स्पॉट करेंगे, टेक डाउन करेंगे, वाइपर स्पिट इज डन फॉर, इट्स अ वन ऑन वन सिचुएशन, मैच पॉइंट के काफी करीब पहुंचते हुए यहां पर प्लेयर हमें नजर आ सकते हैं, हालांकि एक रेजरेक्शन गोज इन वेन बट वेयर इज ही लुकिंग, Where is he looking now? Is he looking in the right direction? पता चल चुका है कहां पर वो प्लेयर रहने वाले, लेकिन अभी के लिए नीचे आ चुके हैं, उन्हीं को देखने की पूरी कोशिश रहेगी, चूहे बिल्ली का ये खेल बनता हुआ और इसके बीच में टेक डाउन किया जा रहा है, इन्होंने वापसी करी है 9-3 पर, इन्होंने वापसी करी है, इस बार कोशिश अभी भी रहेगी, हालांकि रॉफ्यूल को पता है कि चेंबर का
जो बैकस्टैब को यहाँ पर जानने के लिए रहता है वो यहाँ पर है जरूर, लेकिन इसके अंदर लाइटनिंग फास्ट बिल्कुल सामने रहेंगे, लाइटनिंग फास्ट टेक्स हिम डाउन दो. Your duty is not Antidote over. Just telling him that he still needs to be saved as he is precious enough. Halanki is sabke andar operator Antidote ne utha liya Rofuel ki jo pehle unke paas thi. Orbitals nikale zarur ja sakte hain. Dikkatein bahut zyada rahengi. Shock dart baar baar unke paas aa raha hai aur unhi ko pick kiya jayega Hell Ranger ke dwara. Bahut sari cheeze use kone mein execute kari ja chuki thi. Snake bite, shock darts, everything though. But ye fight 5v3 की बन चुकी है. हेल रेंजर की ब्लैक बुक यहां पर खुल चुकी है तो उसी के कारण लगता है कुछ ना कुछ तो चल रहा है उस आईजीएल के दिमाग में. एंड बिल्कुल सामने स्किल्स के प्लेयर्स यहां पर रहेंगे, एक को पिक किया जाएगा लेकिन साथ के साथ ट्रेड ऑफ यहां पर स्किल्स निकालते नजर आएंगे. स्पाइक अगर हम लोग बात करें स्किल्स प्लांट करने की पूरी पूरी कोशिश, नंबर्स एडवांटेज ग्लोबली स्पोर्ट्स के पास एंड वेल आई बिलीव दे कैन प्ले ऑन दिस एडवांटेज. वन एनिमी रिमेनिंग. यस एडवांटेज तो चीज तो काफी आसानी से अंदर साइड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स सेटअप की अगर बात करें स्प्लिट नजर आते हैं पूरे मैप के ऊपर. दो प्लेयर्स मिड पे कमिट करे गए एक्सपेक्टिंग रॉफ्यूल टू पुश ट्यूब जो हर बार करते हैं एंड एक बार फिर से करेंगे और स्किल्स इस चीज के लिए उनको पनिश करेंगे. अननेसेसरी रॉफ्यूल डाउन हो चुके, लाइटनिंग पास आप देखिए उन्होंने जो वॉल है उसको तोड़ा जरूर, हालांकि वो इधर ही रहना चाहेंगे अभी के लिए. Lightning fast, एक बार के लिए कभी चेक किया yellow बंदे इसके round play बनाने की कोशिश करेंगे. Spot जरूर करेंगे, कोशिश अच्छी खासी थी, एक बार का damage दिया but उससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर damage नहीं दे पाए. एक ball का dart यहाँ पर मारा गया था, shock dart की भी आप तारीफ कर सकते हैं यहाँ पर डाले गए. Lightning fast ऊपर आ चुके हैं, एक और प्लेयर को भी यहाँ पर पिक करते हैं, उसकी कोशिश रहेगी लेकिन रेक्सी मार्शल के साथ उनको पिक करते नजर आए. ये पूरी फाइट 3v3 की बन चुकी है और इसके बीच में निग्मा के प्लेयर्स अब उनकी बारी आती है इन्फॉर्मेशन, हालांकि टैग किया गया और उसके साथ साथ हंटर स्पिरिट डाली गई थी. एक सफल डैमेज यहां पर दिया गया एक बार का, उससे ज्यादा कुछ नहीं. हालांकि और भी क्योर एक्सकैली यहां पर पॉप करते हैं एंड एनिग्मा ये राउंड छीन के जाती नजर जरूर आती है. हालांकि देखना पड़ेगा कि क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स यहां पर फाइट ले सकते हैं बिकॉज वेल It's been said that you know it's not over until it's over. But SK Rossi, ek pick nikal karke number se rakhenge and look at Antidote returning the favor. 4v4 ka situation yahan par inhone kiya hai. Lightning fast side ke andar ghuste hue. Ek classic sage wall jo rehti hai is side ke around wo yahan par banate hue nazar zarur aayenge. Rexy पता चल चुका है तो एक डिफॉल्ट शॉक डार्ट यहां पर डालने की उनकी भी कोशिश थी जरूर. This was a good one by Rofuel. एक अच्छा पिक निकाला, द स्पाइक इज प्लांटेड बट ये स्पाइक शायद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स क्वालिफायर में आखिरी बार प्लांट कर रही है और रॉसी रॉफ्यूल को पिक करेंगे. लोकेशन पता चल चुकी है और उसी के अराउंड खेलना पड़ेगा. रेक्सी उनको पता है कि उनके नीचे कोई ना कोई प्लेयर रहने वाला है लेकिन गलत डायरेक्शन में देखा था, एक शॉट लगा जरूर बट लाइटनिंग पास टेकिंग द प्लेयर्स डाउन. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन एक्सकैली वो डेफिनेटली पिक निकालेंगे बट थोड़ी देर में जो स्पाइक है वो और तेजी से धड़कना यहां पर शुरू कर देगी जिस तरीके से दर्शकों के दिल भी धड़क रहे होंगे. कोशिश डेफिनेटली एक्सकैली की रहेगी. इफ यू कैन टेक द प्लेयर्स डाउन फॉर वन मोर ट्राई एक्सकैली उनके एक्सकैली के लिए अगर थोड़ा और टाइम बाय आउट हो जाता, उनकी रोटेशन पूरी हो जाती, ये राउंड एनिग्मा से कोई नहीं छीन सकता था. बट दिस पुश किचन के साइड पर ही इज ऑलवेज गेटिंग पिक्ड ऑन. स्किल्स को देखिए, स्किल्स पिक बिल्कुल सामने. दूसरा तो खैर वहां पर रॉसी ने निकाल ही दिया है और रॉसी आ चुके हैं डिफेंडर साइड स्पॉन के एरिया के बाहर. इस जगह को देखते हुए यहां से प्रॉब्ली स्नोमैन की तरफ को भी वो धीरे धीरे जाते हुए नजर आ सकते हैं अगर हम लोग बात करें. हालांकि किचन के एरिया में एक अच्छा पिक आरवी के निकालेंगे जो पिछले गेम की गलतियां थी उसको सुधारते हुए यहाँ पर नजर आते हुए. एनिग्मा हैज जस्ट वन प्लेयर सर्वाइविंग. ग्लोबली स्पोर्ट्स डेफिनेटली ऑन अ फाइटिंग चांस, डेफिनेटली ऑन अ फाइटिंग स्टांस. प्लांट करेंगे एंड वेल आरवी के अभी अपनी टीम में देखिए फ्रैक्स की बात करें थोड़ा सा नीचे जरूर है बट क्या यहां पर वो रिडेम्पशन निकाल सकते हैं? बहुत मुश्किल हो सकता है लेकिन एक पिक निकाला जरूर जाएगा उन्हीं के द्वारा. इस बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश, हालांकि राफ्टर से तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते और अब उनके बारे में पता चल चुका है. थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन यहां पर किए जाएंगे. I don't think so. He can just clutch it out. This round again goes to Global Esports. Viper Spit has a rule commit karna agar chahe to, lekin itni der mein aisa commitment. I don't believe so. He's just going for the diffuse. He's sticking for the diffuse. Aadha diffuse yahan par utka aur instantly unko pick kiya jayega Kappa ke dwara. Antidote kitchen ka angle pakad kar baithe hain. Obviously, you know, kitchen ki side se jo entry rehti hai, jo pipe ki side se entry rehti hai, wo aur kitchen ki side ki entry dono dekh sakte hain. Rockwell is spotted though. Shot acha tha, lekin spot to kiya ja chuka hai. Pata hai ki snowman par ek khatra.
मंडरा जरूर रहा होगा। वाइपर्स पर जो पिछली बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस बार सही समय पर एग्जीक्यूट डेफिनेटली किया गया। रॉफ्यूल को लग रहा है कोई ऊपर डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इस सबके बीच में आप देखिए स्किल्स को पिक किया जाएगा, लेकिन उनको वापस से जीवन दान यहाँ पर मिलता है। सेम जगह पर स्प्रे करने की कोशिश एंटीडोट की थी जरूर। येलो कंटेनर से उनको समझना पड़ेगा, रॉसी स्पॉटेड रहेंगे एंड रॉसी को पिक किया जाएगा। खुद को हील वापस से करने की कोशिश, स्नेक बाइट्स को सब डाला जा रहा है जस्ट टू एग्जीक्यूट। दिस इज द फाइट ऑफ द लाइफ राइट नाउ एंड फॉर दैट दे डेफिनेटली आर फाइटिंग। हर कोई प्लेयर वहां पर स्पॉटेड है, हर कोई प्लेयर पता है येलो कंटेनर्स के पीछे रहने वाला है। एक पिक और यहां पर जाता हुआ, ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टिल नंबर एडवांटेज में अभी के लिए है जरूर, बट देन एक पिक वो काफी। लेकिन उससे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा ग्लोबल स्पोर्ट्स जो करने की जरूरत थी वो चीज हेलरेजर की टी-शर्ट पे साफ लिखी थी, दे नीड टू ब्रिंग इट एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट। रॉसी एंटीडोट को इंस्टेंटली पिक ऑफ करेंगे राउंड शुरू होते ही। ऑलड्रोन के साथ रॉसी के लिए एक अच्छा सेटअप किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन उनके लिए दी जा रही होगी। बट ए साइड पे देखिए ये जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्रॉम एक्सकैली एंड रॉफ्यूल, स्किल्स इसी चीज का इंतजार कर रहे थे अपने चेंबर के साथ। अगर स्किल्स को पिकअप किया जाता है इन दोनों में से एक ड्यूलिस्ट के पास एक अपग्रेड आ जाएगा वेपन का, और ये वेपन अपग्रेड काफी ज्यादा भारी साबित हो सकता है। दोनों के दोनों अपनी शेरिफ लगा के खड़े हुए हैं और स्किल्स एक प्लेयर को पिक करेंगे, इनफैक्ट दूसरे को भी स्पॉट किया जाता है, लेकिन एक्सकैली उनको पिक करते हुए नजर जरूर आएंगे यहाँ पर। काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पर पिक निकाले। लाइटनिंग पास की अगर बात करें वो डेफिनेटली दूसरे डायरेक्शन में अभी नजर आ रहे हैं। वाइपर्स पिट का कमिटमेंट किया जरूर क्या है वहाँ के प्लेयर्स के द्वारा, इनफैक्ट डिफेंडर्स वाइपर्स पिट यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़ी देर के लिए रोकेगी जरूर एनएसके रॉसी, वो तो खैर स्नोमैन देखना चाहते थे, बट वहीं पर आरबीके एक प्लेयर को पिक करेंगे। वाइपर्स पिट हैज बीन डिनाइड बाय हेलरेंजर। 11वां राउंड निकालने की कोशिश ग्लोबल स्पोर्ट्स के द्वारा और फुल स्टॉप वो मुहर लगाने की कोशिश यहां पर एक्सकैली के द्वारा हो सकती है। एम्प्रेस है उनके पास, हालांकि इस डायरेक्शन से डेफिनेटली कोई काम में आने वाली है नहीं। एक ब्लाइंड उनके पास पड़ा हुआ है, ये फैंटम उन्होंने पिक करी थी अभी एक प्लेयर को टेक डाउन करके। साइड में एक मैंडल भी पिक किया जस्ट इन केस इफ जस्ट वांट टू स्वैप इट आउट, ही इज वल्नरेबल। Definitely, Fields, but then Enigma for the win. Whosoever comes on to the wild cards and the finals and the second qualifiers and the Pakistan, Afghanistan and the Sri Lanka, Maldives, you definitely need to fear the Enigma as they win the first qualifiers.